एक श्री धुंधुकारी की कथा। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, ऐसे कोई पाप नहीं जो पाप नहीं किया। तीन बार कुत्ते को साथ में रहना, एक साथ में खाना, किसी बच्चे को अगर देखे कुएं के सामने खेलते हुए धक्का मार करके गिरा देना, किसी घर में आग लगाना, छह छह बेस्याओं को रखना, पिताजी को इतने सताया पिता घर छोड़ करके भाग गई, और मैया को इतनी पिटाई की, मैया तो कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की। और बाद में यदि ये छह छह बेस्या ने बड़ी बुरी तरह से मारे और उसको घर में गड्ढे खोद कर मार दिए, और लास्ट में क्या बन गया, लास्ट में उसने प्रेतात्मा बना। लेकिन भगवान ने स्वयं वरदान दिया है, कोई व्यक्ति मरने का बाद कोई गया में जाए और वहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह है, वहाँ पर एक बार पिंड दे करके आ जाए तो वो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। लेकिन जब गोकर्ण ने उसको नाम पर पिंड दी, लेकिन जब उसने घर में आया देखा फिर वही भूत बन करके बैठा हुआ, कभी शेर बन करके, कभी बाघ बन करके, कभी घोड़े बना करके, कभी बिल्ली बन करके उसको डराते रहे। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को क्या मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया मैंने इतने पाप की, मेरे नाम पर एक बार क्यों, अगर 100 बार भी मेरे नाम पर पिंड दोगे ना मेरे को उद्धार नहीं होगा, कितना मैंने पाप कर्म किया है। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे इनकी मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले इसको श्रीमद् भागवत कथा सुनो। कहते ये भागवत कथा से ही बड़े से बड़े पापियों को मुक्ति मिल जाती है। तब जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, कथा से ही इनको उधार हुई और वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठे और भगवत लोक को उन्होंने गमन किया। इसका तात्पर्य यह है, हम जितने पाप क्यों नहीं किया हो लेकिन एक बार आओ और भागवत कथा में बैठो, एक बार केवल आप कथा सुन लो भगवान की, कहते बड़े से बड़े पापियों को भी जीवन में मुक्ति और जीवन में उनको शांति मिलती है। के दूसरा नंबर है, अगर कोई सोचे अरे हमें सब कथा सुनने का क्या जरूरत है, हमने सब कथा सुन रखी और गीता भागवत हमने सब पढ़ा हुआ है, ये सुनी सुनाई कथा को हम कितने बार सुनेंगे, इसके लिए श्री उदाहरण देते हैं। कहते आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े अज्ञानी नहीं हो, जिसने 16 साल तक मात्र जन्म होते ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बनकर के जंगल में चले गए थे और ब्रह्म में पूरा डूबे हुए थे श्री सुखदेव गोस्वामी, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन भागवत का केवल एक श्लोक इनकी कान में पड़ी गई तो उन्होंने पागल हो गए और उन्होंने सारे ब्रह्म ध्यान और ज्ञान को त्याग दिए और उन्होंने भागते हुए आए और पूरी ये रस क्या चीज उसको बताएंगे। देखो अगर एक दिन हमें रोटी नहीं मिलेगा
एक दिन रोटी नहीं मिले, बोले हाय रोटी हाय रोटी, आज दिन भर रोटी का हमने मुंह नहीं देखा। भैया जब रोटी में इतने आनंद हो सकती है तब भगवान में कितना आनंद नहीं होगा। इसलिए भागवत में जब भगवान पृथ्वी महाराज बोले कर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दो, बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, बोले दो कान में तुम्हारी कथा सुन करके मेरे को आनंद नहीं मिलता है। जब 10,000 कान मिलेगा ना तुम्हारी कथा सुनकर तभी आनंद मिलेगा। बोले भैया दो कान तो बढ़िया दिख रहे हैं, अगर पूरा शरीर में तुम्हारी कान ही कान हो जाए अच्छी थोड़ी लगेगी, अगर शरीर में 10,000 कान हो जाए अच्छे लगोगे। बोले प्रभु इसका मतलब ये नहीं 10,000 कान। बोले फिर क्या, बोले कान तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों कानों में ठाकुर जी की कथा सुनने को इतने शक्ति मिले, 10,000 कानों में जितने शक्ति हो, ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ है जैसे यहाँ भगवान की कथा हो रही है और भी कहीं तो भगवान की कथा होती है, बोले कहीं की कथा मेरी चुप नहीं है। आप लोगों ने रामायण कहीं होते हुए देखा हो, अब देखना कहीं भी रामायण होगा सबसे पहले श्री हनुमान जी का तस्वीर लगेगा, सबसे पहले। बोले क्यों, बोले भगवान राम कथा सुनने का सबसे बड़े जो रसिया है श्री हनुमान जी। बोले हनुमान जी कौन है, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, उनके जैसे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, इतने ज्ञानी से हनुमान। हनुमान जी है कौन, बोले स्वयं शंकर जी। शंकर ही प्रभु की लीला के लिए उन्होंने रुद्र देह तेजी नेह बस बानर भय हनुमान, शंकर ही हनुमान बन कर के आए। आप देखना जहाँ जहाँ राम कथा होगा सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर सबसे पहले वहीं पर लगी, सबसे पहले श्री हनुमान जी आते हैं। बोले क्यों आते हैं हनुमान जी, देखो बोले एक समय ध्यान देकर सुनो रामायण की कथा है। बोले भगवान राम हनुमान को प्राय करके बोलते थे हनुमान जी, बेटा कभी सत्संग कभी जाया करो। हनुमान जी बोले प्रभु सत्संग में जाने का क्या जरूरत है, कथा सुनने का क्या जरूरत है, कथा में क्या होता है, कथा में यही होती है तुम्हारी कीर्तन करे, तुम्हारी नाम करे, तुम्हारी भजन करे, तुम्हारी सेवा करे, यही तो बोलते ना, और क्या बोलते हैं। बोले हाँ, बोले ऑलरेडी मैं तो कर ही रहा हूँ, पर ये कथा में जाने का क्या जरूरत है। भगवान राम ने कहा देखो जब तुम कथा सुनोगे ना, जो तुम भजन साधन कर रहे हो, जो तुम भक्ति कर रहे हो, उसमें चार चांद लग जाते हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं। अभी हनुमान जी ने सोचा भैया हर समय ठाकुर जी कहते जाओ कथा में, जाओ कथा में, कथा में जाओ, एक बार कथा में जा करके देखता हूँ हटता है क्या। काक भूषण जी नाम सुने होंगे, ये काक भूषण जी नित्य निरंतर प्रभु राम कथा सुनाते। एक दिन श्री हनुमान जी वहां पर पहुंचे, सबसे पीछे हनुमान जी सबसे पीछे बैठ गए, हाथ जोड़ करके कथा सुनने लगे। काक भूषण जी राम कथा सुना रहे थे, उसमें ये कथा सुनाई जब माता सीता ने सीता को रावण उठा करके ले गया, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट मेरी माँ को तुमने उठा करके ले गया, अभी तेरे को मजा चखाता हूँ। हनुमान जी एक छलांग लगाए और लंका में पहुंचे, देखा माता जानकी अशोक वाटिका में बड़ी दुखी होकर के बैठी। हनुमान जी को और ये स्वयं शंकर जी, उन्होंने खोला तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र खोले तो लंका को जला करके उसने राग बना दिया। काक भूषण जी ये कथा सुना रहे थे, हनुमान जी पीछे बैठ कर सुन रहे थे। बोले देखो ये कितना झूठ बोल रहा है, मैं हनुमान जी यहाँ पर बैठा हुआ और ये मेरी कथा सुना रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं मैंने एक छलांग लगा दी। आप लोग रामायण देखे होंगे जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहा था, वहां पर मैनाक पर्वत उठा, एक राक्षस ने छाया को पकड़ ली, कितनी लड़ाई युद्ध उसने की, फिर लंका में पहुंचे, लंकिनी घुसन नहीं दे रहे थे मार एक मुक्के, फिर उन्होंने श्री विभीषण जी से मिले, फिर विभीषण जी बताया अशोक वाटिका में जाओ, फिर उन्होंने माता जी से मिले, फिर उन्होंने फल खाने के लिए गए तो
कितने बड़े बड़े दैत्य को साथ में लड़ाई हुई, मेघनाद आया, नाग खास बंधन में बांध करके ले लिया, उसको पूंछ में जब आग लगाया तब उन्होंने लगा लिया। तो इतनी सारी कथाएं, लेकिन उन्होंने बताया एक छलांग लगा करके पहुंचे और लंका जला दिया। इतना झूठ बोलता हूं। जब कथा समाप्त हो गई, हनुमान जी चले गए। भगवान राम ने पूछा, क्यों हनुमान जी आज सत्संग में कितना आनंद आया? बोले, प्रभु आज ऐसे सत्संग सुनी ना, कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं। राम को तो पता है, वो गटगटवासी सब जानते हैं। पता हनुमान जी के मन में शंका हो गई, भगवान मेरी कथा में शंका हो गई हनुमान जी की। अभी वो शंका दूर करने के लिए भगवान राम ने अपना अंगुल से एक मुद्रिका निकाले, निकालते वो मुद्रिका गिर पड़ा। राम ने कहा, हनुमान जी ये मुद्रिका उठा करके दो। जब हनुमान उसको उठाने के लिए गया, वो मुद्रिका इतने तेज से भाग रहा था, हनुमान उसको पकड़ नहीं पा रहा था। और वो मुद्रिका भागते भागते कंदरा में गया। हनुमान जब प्रवेश करना चाह रहा था, देखा वहां पर एक बहुत बड़े बंदर बैठा हुआ। बोले, कहाँ जा रहे हो तुम, हे कौन? बोले, मैं हनुमान जी हूँ। बोले, हनुमान इतने कमजोर, हमारे अंदर में तो बैठा हुआ तो विशाल गाय हनुमान जी, इतने कमजोर कैसे? हनुमान तो चकरा गए। हनुमान जी सोच रहे थे, मैं अकेला हनुमान, और कोई हनुमान है नहीं। लेकिन भगवान राम ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में आते हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं, ब्रह्मा बहुत हुआ, हम आगे सुनेंगे। शंकर भी एक नहीं, शंकर कितने शंकर हैं। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे, मैं अकेला ही हनुमान, और क्या कोई हनुमान नहीं। हनुमान जी चकरा गए, भैया और हनुमान जी कहाँ से आ गए? बोले, आपके हनुमान जी से मैं मिल सकता हूँ। बोले, मैं उनसे आज्ञा लेकर के आता हूँ। तब बोले, उनको लेकर के आओ, वो हनुमान सब जानते हैं। जब इनको अंदर में लेकर गए ना, देखा विशाल काय हनुमान जी बैठे हुए, जिनकी रोम रोम से राम नाम निकल रहा था, आंखों के आंसुओं की झरी बह रही थी, और हृदय में प्रेम की गदगद हो रहा था, और प्रभु की नाम को जप कर रहे थे। बोले, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, 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 पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राजा राम, पति इतने में जब वहां पर पहुंचे, ओ जो हनुमान बड़ा था, खड़े होकर के छोटे हनुमान को आलिंगन किया। बोले, देख हनुमान, तुम्हारी मन में शंका हो गई थी जिस समय ये गरुड़ जी कथा सुना रहे थे, काग भूषण जी कथा सुना रहे थे, जे हनुमान कैसे छलांग लगाए, लंका में पहुंचे और तीसरे नेत्र से आग लगा दिया। देखो, वो जो हनुमान जी का नाम कह रहे थे ना, मैं भगवान राम एक बार नहीं आते, हर ब्रह्मा के एक दिन में राम इसी जगत में एक बार आते हैं। हनुमान केवल तुम अकेले नहीं, बहुत हनुमान है। जब जब आते तब तब हनुमान आते हैं। वो जो हनुमान जी कथा है ना, मेरी कथा सुना रहे थे। देख बेटा, ये काग भुसुंडी, वो एक कल्प से नहीं, वो कितने कल्प से बैठ करके कथा सुना रहे हैं, कितने राम आए और कितना राम चले गए। इसलिए बेटा, कभी भी
काक भुसुंड की कथा में शंका नहीं करना कभी। प्रभु तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए यहाँ पर भेजे हुए, जा वहां से जो मुद्रिका ना वहां से ले जाओ। जब वहां पर गए देखा एक साथ बहुत सारे मुद्रिका, बोलिए तो एक साथ बहुत सारी मुद्रिका, इतने मुद्रिका कहाँ से आई? बोले जब जब किसी हनुमान जी की शंका होती है भगवान राम उसको यहीं पर भेजते हैं। देखो तब से हनुमान जी प्रतिज्ञा की, बोले भैया पहले मैं सोचता था सब जानता हूँ, अभी तो पता चलता मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हनुमान जी प्रतिज्ञा की, कहीं भी राम की कथा होगी सबसे पहले मैं जानता हूँ। इसलिए आप देखना कहीं भी राम कथा होना सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर सबसे पहले, क्योंकि राम कथा के सबसे जो बड़े रसिया है ना श्री हनुमान जी। और जो भगवान की कथा जो है वो इतने मीठा इतने मीठा, इसी जगत में देखना कोई एक सिनेमा आई अपने, बढ़िया सिनेमा आई अपने एक बार देख ली, कैसे सिनेमा बोले क्या बढ़िया है सुंदर है। फिर दूसरे बार गए आप दूसरे बार देख लिया बोले कैसे बोले हाँ ठीक है। लेकिन तीसरा बार गए सिनेमा देखने के लिए एक ही बोलेगा कैसे बोला हाँ ठीक ठाक है। बोले चौथा बार जाओ और इच्छा नहीं हुई। अगर चौथा बार तुमने वो सिनेमा देख ही लिया पंचमा बार वहां पर फिल्म को देख नहीं सकते बैठी गई, क्योंकि जगत का जितने आनंद है ना वो सब घटती है, कोई आनंद जगत में बैठती नहीं सब घटती है। एक रसगुल्ला खाओ बोले कैसे बहुत बढ़िया, दूसरे रसगुल्ला खाओ बोले ठीक है, तीसरा खाओ ठीक, चौथा बोले और नहीं खा लिया ना, पंचमा खाओ तो उल्टी हो जाएगी। ये जगत में देखना हर आनंद को धीरे धीरे हर आनंद घटती है। इसलिए पहले अपना पत्नी कैसे लगती है बोले ये चंद्रमुखी, बोले एक चंद्रमा आकाश में एक चंद्रमा मेरे पास है, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर सूर्यमुखी हो जाती है, फिर तो ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा अशांति, एक सुने तो दो सुने तो चार सुना है, चार सुना तो पांच सुना है। देखना इसी जगत में कोई भी आनंद को देखना कभी भी कोई आनंद बढ़ती नहीं, हर आनंद जगत में घटती है। लेकिन देखो जैसे आप अपना घर में रामचरितमानस पढ़ते हो, नहीं तो गीता पढ़ते हो, नहीं तो भागवत पढ़ते होगे, नहीं तो देवी का कोई स्तुति करते होगे, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगती है? आप देखना रोज उसको पढ़ते हो लेकिन कभी पुरानी लगती है? कभी पुरानी नहीं लगती। इसलिए हमारी संप्रदाय में जो संत लोग है ना, ये जो माला में कोई कोई संत तो एक एक लाख हरिनाम करते हैं, एक लाख हरिनाम करने के लिए 6-7 घंटा लगेगा अगर कंटिन्यू बैठ कर करोगे। कोई कोई संत तो हमारी संप्रदाय में 2-2 लाख, कोई कोई संत 3-3 लाख 20-20 घंटा बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। क्योंकि भगवान की जो नाम है ना, भगवान की जो कथा में आनंद है, इसलिए बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप, भगवान ज्ञान स्वरूप, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए उनकी भक्ति में कभी कोई बोर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताई कथा कौन सुन सकते हैं? बोले कथा एक पापी से पापी भी सुन सकते हैं, एक ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोलता है भैया कथा सुनते सुनते मैं बोर हो गया, गोस्वामी जी कहते भैया ये समझो वो रस नाम का कोई चीज जानता है, रस क्या चीज वो नहीं जानता है, इसलिए कहता है कि तो बोर हो गया हूँ, तो मैं बोर हो गया। इसलिए कथा सभी सुन सकते हैं, एक ज्ञानी भी सुन सकता है और एक पापी भी कथा सुनेगा तो उसको भगवान का नाम उससे भी आनंद प्रदान करती है। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भागवत कथा की महिमा को सुन रहे थे। कहते ये महिमा दो पुराण में आती है, एक है पद्म पुराण और एक है स्कंद पुराण। कल हम जो सुन रहे थे ये पद्म पुराण की कथा, आज हम थोड़ी सी स्कंद पुराण की थोड़ी सी कथा सुनेंगे। ये कथा बड़ी ब्रज की कथा, बड़ी प्यारी कथा है। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, जाने से पहले श्री बज्रनाभ को उन्होंने वृंदावन का राजा बना करके, और श्री
परिचित महाराज को उन्होंने ये हस्तिनापुर का राग सिंहासन उन्होंने देकर गए। एक दिन श्री परिचित महाराज वृंदावन में बज्रनाभ से मिलने के लिए गए। बज्रनाभ से बोले, बेटा सब ठीक कुशल मंगल है ना? बोले, आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले, क्यों उदास है? बोले, कारण ही ये वृंदावन में कोई है नहीं, क्योंकि भगवान जब आते हैं इस जगत में पूरा धाम और भक्तों को लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं पूरा सबको लेकर के ठाकुर जी चले जाते हैं। इसलिए अभी ब्रज में कोई वहाँ कोई पशु पक्षी तक भी ब्रज में थे नहीं, सबके सब लेकर ठाकुर जी चले गए थे। बोले, वृंदावन में कोई है नहीं, इसलिए मन तो बड़ा उदास है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोले, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर कभी जाता है? वृंदावन में तो मैं नित्य विद्यमान हूँ, वृंदावन तो मेरा घर है, घर छोड़कर कहीं जाता है? मैं कहीं वृंदावन गया नहीं, कभी वृंदावन छोड़ करके आप लोग। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि को ये रहस्य बता। सांडिल्य ने कहा, देखो भगवान की लीला दो तरह का है, एक तो उनको वास्तविक लीला और एक उनकी साधारण लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण संसार छोड़कर चले गए, लेकिन आप सही सही देखोगे कृष्ण कहीं गए नहीं। आप लोग कोई वृंदावन गए हो? हरे कृष्ण। आप लोगों ने कोई वृंदावन गए? कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ। अब देखना वृंदावन में दो वन है, एक है निकुंज वन है और वहां पर एक है निधु वन, दो वन देखोगे। अब देखना ये दो वन में ठीक शाम होते ही वहां पर बहुत सारे बंदर थे, वो शाम होने का साथ साथ ये बंदर अपने आप निकलना शुरू हो जाते, अपने आप निकल जाए, किसको किसको हटाने का जरूरत नहीं। और वो जो दो मंदिर वहां पर आप देखे होंगे, वहां पर ठाकुर जी की फूलों की सज्जा लगती है, लोटे में पानी रख लेते हैं, वहां पर लड्डू रख लेते हैं। लेकिन सवेरे जा करके देखोगे ऐसे लगेगा जैसे कोई व्यक्ति रात को आए और यहाँ पर फूल की सज्जा में लेट करके गए। कभी लड्डू नहीं मिलेगा, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचे रात को मैं जोर जबरदस्ती रुकना चाहता हूँ, अगर कोई सोचे रात को हम यहाँ रुक करके देखना चाहता हूँ, कहते उनको दो स्थिति हो जाती है, कोई तो मर जाएगा नहीं तो गूंगा बन जाएगा, वो जिंदा नहीं रह गया कोई व्यक्ति। क्योंकि ठाकुर जी की लीला देखने का बाद ये पर ये शरीर नहीं रह जाती है। इसलिए वो दोनों मंदिर के पास में अपना गुरु जी का मंदिर, मैं तो दो घटना खुद देखा है, एक व्यक्ति को देखा तो गूंगा पड़ा हुआ और एक माता जी को देखा शरीर छोड़ा हुआ। अगर कोई वो बाउंड्री के अंदर में रह जाए, जिसको कलि युग में विश्वास नहीं होता ना भगवान भगवान किसने देखा, एक बार वृंदावन जाओ वो जंगल में एक बार रह करके देख ले, फिर तो हमें पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं, अपने आप में पता चल जाएगा। इसलिए श्री सांडिल्य जी कहते हैं, बोले देखो भगवान कहीं नहीं गए, अभी भी वृंदावन में ठाकुर विद्यमान है। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम झाड़ू मंडल है, कभी ये करीब करीब 400 साल पहले का बात है। बोले एक संत सब छोड़ करके भजन करने के लिए वृंदावन था, तो उसने गुरु जी को पास में गए। गुरु जी ने कहा, देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, एक काम करो ये निधुवन में रोज तुम झाड़ू लगाओ और राधा रानी का नाम को ले लेकर के, तब राधा रानी की तुम्हारे ऊपर में कृपा होगी। वो संत रो रो करके राधा जी का नाम को ले लेकर के झाड़ू लगाया करता था और राधा रानी को बुलाता था, हे राधे मेरे ऊपर में तुम कब कृपा करोगे। अभी राधा रानी वैसे तो डायरेक्ट दर्शन देगी नहीं, तब राधा रानी ने दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, अपना चरण की जो नुपुर को छोड़ कर के, वो रोज संत झाड़ू लगाते रोज झाड़ू लगाते, उन्होंने गए देखा जंगल में घना घोर जंगल में सोने की पायल पड़ा हुआ,
बोले भैया जंगल में सोने के पायल कैसे? तो उन्होंने उठाया, उनकी गुरु जी की दिखाया, उनको गुरु जी साधारण थे नहीं, वो भी पहुंचे हुए संत थे। बोले बेटा तुमको मिला कहाँ से? बोले जंगल से। बोले देख बेटा ये जो नुपुर है ना, ये श्री किशोरी राधा रानी की नुपुर है, तेरे को दर्शन देने के लिए राधा रानी बहाना बनाए। अगर कोई लेने के लिए आए ना, बोलना जिनकी चरण की नुपुर खुद आए, अपना हाथों से मैं पहना दूंगा, अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। अभी ललिता विशाखा रूप बदला करके आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं प्यार का नुपुर घूम गया, तेरे को मिला? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। गुरु जी ने कहा देख बेटा देना नहीं, तेरे परीक्षा भी करेंगे। इतने में सखियां बोली तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू है और तू संत हो करके हमारी बहू की प्यार में नुपुर पहनना चाहते हो, अच्छा चाहते हो, दे दो, नहीं तो भैया को बुला करके लाएंगे, पिटाई करी होगी। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, हम तो अपना हाथों से नुपुर पहना करके ही मैं रहूंगा। इतने में उन्होंने राधा रानी को बोले, बोले राधे वो तो कह रहा है तुम्हारे चरण में बैठाएगा। बोले इसको बोल दो मैं घर की बहू हूँ, ऐसे नहीं आऊंगी, पहले आंखों में काला पट्टी बांध फिर आऊंगी। फिर उन्होंने आंखों में काला पट्टी बांधी, स्वयं वहां पर राधा रानी स्वयं आ गई। वो संत अपना हाथों से इनकी चरण में नुपुर पहनाए और राधा जी की चरण स्पर्श होते ही इनकी रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले हे राधे जब आप यहाँ तक कृपा की है, एक बार मेरे को दर्शन भी दे। राधा रानी को दर्शन देना चाहते हैं, आंखों को ऊपर पट्टी खोल दी। फिर उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, और राधा रानी अपना हाथों से उनको जो तिलक लगाते हैं ना, उसको बीच में उन्होंने के नुपुर से उनके तिलक में एक बूंद लगा दी। अगर आप वृंदावन जाओगे, एक मंदिर में जन्म जाना, उसका नाम राधा श्याम सुंदर। और गए एक और, अब तो बांके बिहारी जाते होंगे, चाट मसाला खा करके, टिकिया लस्सी खा कर, बोले बात हो गया था दर्शन। देखो ये जो हम कथा सुना रहे हैं, ये जो लीला स्थली है ना, जहाँ पर ठाकुर जी सही लीला की, एकदम सही सही जहाँ पर लीला की, उस स्थान का नाम कहते झाड़ू मंडल, ठीक जमुना किनारा में, जहाँ पर बांके बिहारी की मंदिर है ना, ज्यादा दूर नहीं है, उसको पास में है, केवल 5 मिनट लगता है इसमें ये स्थली। अगली बार जाना तो पूछते पूछते जाना, यहाँ पर झाड़ू मंडल कहाँ पर है? अभी भी वहां पर एक चक्की है, एक बूढ़ी माता जी थी, रोज चक्की चलाया करती थी और एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ करके और राधा रानी का नाम कृष्ण भक्ति करती थी। एक दिन भगवान उसको पर कृपा करने के लिए, जब वो सवेरे उठकर चक्की चलाती थी, उससे 2 पैसा पैसा कमा करके अपना पेट पालती थी। सवेरे सवेरे कृष्ण आ करके वो चक्की को पर प्यार रखते थे, वो चक्की चलाई नहीं। इतने में बोले भैया मैं जब सवेरे सोने के लिए आता हूँ, रात भर रास करता हूँ, सवेरे सोने के लिए आए तो तू चक्की चलाती, गड़गड़ गड़गड़ शब्द होता है, मेरे को नींद नहीं आती। बोले बेटा चक्की नहीं चलाओगे तुम्हारे पेट कैसे फैलेगी, इसलिए तुमने प्यार रख दिया। बोले माता जी कोई चिंता मत करो, मैंने इस चक्की के ऊपर प्यार रखा ना, बड़ी सुंदर मेरे चरण छाप आ गया, अभी लोग दर्शन के लिए आएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, अभी तुम्हें चक्की चलाने का जरूरत नहीं, मेरी भजन कर रहो। अब जाओगे ना वहां पर देखोगे आश्चर्य है, इतने बड़े चक्की है और भगवान का इतने बड़े चरण चिन्ह है। आप देखोगे एकदम काले रंग के, वो पत्थर भी काला नहीं, कृष्ण का चरण जैसे काला छाप पड़ा हुआ, एकदम गहरा नीचे चला गया और इतने कोमल जो सोच भी नहीं सकते। अगर कभी वृंदावन आओगे ना, अगर हमारी मंदिर में कभी आना, वहीं पर हमारी मंदिर है, कभी मंदिर में आओगे आपको सब जगह हम ले जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, कहाँ पर कृष्ण चक्की चलाए थे, कहाँ पर चरण रखे थे, कहाँ पर राधा जी की अपना हाथों से
जहाँ पर उनकी चोटी सजाए थे, जहाँ पर उन्होंने श्रृंगार की थी, कभी अगर हमारा मंदिर में आओगे आप वो सब दर्शन कराते। देखो अभी अक्षय तृतीया आई है, ये अक्षय तृतीया में कोशिश करना आने के लिए, ठीक है। अक्षय तृतीया मतलब है सृष्टि का पहला दिन है, ये अक्षय तृतीया का दिन इतने महत्वपूर्ण है। हर मंदिर मंदिर में ठाकुर का जो पूर्ण शरीर साल में एक बार देखो, ठाकुर को शरीर में कपड़ा नहीं पहनाते, चंदन से ठाकुर का शरीर को चंदन से श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर चंदन श्रृंगार। ये अक्षय तृतीया का दिन कोई भी काम करोगे, जैसे गृह प्रवेश, शादी, हम पंजिका देखते हैं ना, बढ़िया दिन देख कर करें, उसी दिन आंख बंद करके कोई भी काम करोगे आपका काम अक्षय फल मिलेगा, इसलिए उसको कहते हैं अक्षय तृतीया, उसको कहते हैं। उसी दिन वृंदावन आकर के ठाकुर जी के दर्शन करने का बड़ा पुण्य है। आप लोग आओगे खुद बनाएंगे हाथ उठा आपको ना, अगर आप लोग आओगे आपको मंदिर हम दर्शन करा देंगे, आस पास में जो मंदिर है वो मंदिर आपको हम दर्शन करा देंगे, ठीक है। इसलिए श्री सांडिल ऋषि कहते हैं, देखो वज्रनाभ कृष्ण कहीं भी नहीं गए, कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में विद्यमान है, लेकिन दर्शन कैसे मिलेगा, बोले प्रेमा जन छुरी तो भक्ति विलोचन। अभी हमारे आंखों में काम क्रोध लोभ मोह की अंजन हम लगा कर रहे, लेकिन जब इस चीज को हटा करके आंखों में प्रेम रूपी अंजन को हम लगाएंगे, फिर देखोगे तो वृंदावन में कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण है। इसलिए जिस समय हिरण्यकश्यपु ने अपना बेटा प्रह्लाद को बताया, बोले बेटा तेरे भगवान कहाँ है, बोले पिताजी ये बताओ मेरे प्रभु है ही नहीं कहाँ दिखा, बोले मेरे को क्यों नहीं दिखता है, बोले पिताजी आपका जो आंखों में ना ये लोभ काम लोभ सब बैठा हुआ है, ईर्षा द्वेष छल कपट बैठा हुआ, इसलिए इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं मिलता है, मेरे प्रभु तो कणकण में विद्यमान है। तो उन्होंने बोले ये खंडन में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी, सचमुच से ठाकुर वहां प्रकट हो गए, बोले तेरे प्रभु को पहले दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा, मार पुष्टि का घात और फट गया और सख्यात नरसिंह भगवान वहां सख्यात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए भगवान सर्वत्र रहे लेकिन उनको दर्शन करने के लिए हमारी आंख भी चाहिए, और उसी के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। जब भक्ति करोगे देखो कण कण में ठाकुर जी बैठे हैं, उनकी सत्ता को छोड़ करके दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं ना उनके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है, इसलिए तब श्री वज्रनाभ को उनने समझाए, बोले बताओ अभी कैसे मिलेंगे ठाकुर जी, बोले एक काम करो कृष्ण चले गए दुनिया से, अभी उनकी जो लीला स्थली है वो धीरे 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 अंतर ध्यान होने जा रहा है, पता नहीं कृष्ण कहाँ रास रच जाए, पता नहीं कहाँ गिरिराज उठाए, पता नहीं कहाँ गैया चराए, तुम ये लीला स्थलियों को प्रकट करो और ठाकुर जी को तुम स्थापन करो, फिर ठाकुर जी की कृपा हुई, फिर उन्होंने सारे लीला स्थलियों को प्रकाश किया। अगर वो नहीं प्रकाश करते ना, कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कहाँ पर प्रभु जी रास रचाए, कहाँ पर गिरिराज उठाए, उन्होंने मंदिर बनाए, तालाब बनाए, उनकी मूर्ति बना करके स्थापन किया, और उन्होंने विशेष करके बहुत ठाकुर जी स्थापन किए, विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुर प्रकाशित किया है, एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन, ये तीन ठाकुर घर सुनो, ध्यान देकर सुनो, ये तीन ठाकुर जी कथा सुनो, ये तीन ठाकुर उन्होंने क्यों प्रकाशित किया है, उन्होंने तो बहुत ठाकुर वैसे प्रकाशित किया है, लेकिन वो तीन ठाकुर विशेष ठाकुर है। बोले क्यों, बोले एक दिन वज्रनाभ अपना दादी जो उत्तरा थी वो उत्तरा कृष्ण को दर्शन की, वो कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाया करती थी वज्रनाभ को, एक दिन वज्रनाभ बचल गया, बोले दादी आप जो हमारी हैं जो कृष्ण कथा सुनाते हो
इतने सुंदर बंसरी बजाते थे, ठाकुर जी कैसे रास रचाए, कैसे गिरिराज उठाए, एक बार हमें दर्शन कराओगे? बोले कृष्ण तो चले गए, दर्शन कैसे कराएंगे? ठीक है बेटा, तेरे को मैं मूर्ति बना करके दिखा दूंगा। तो उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए और उसने देखा कृष्ण को, कृष्ण कैसे तीन जगह से चले हैं, कैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, इनकी कमर कैसे है, उनकी छाती कैसे है, इनकी मुखार बिंद कैसे, उन्होंने वर्णना की। मिस्त्रियों को बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति तुम बनाओ। मिस्त्रियों ने सारी कला को उसमें लगा दिया। जब एक मूर्ति बन गई, बोले आप देखो आपने जैसे वर्णना की हमने ठीक कैसे बनाया, एक ठीक ऐसे बना कि नहीं। बोले देखो इसी जो ठाकुर में केवल कृष्ण की मुखार बिंद आया, केवल मुख कमल आया है, जिसमें मुख कमल आया उसका नाम रख दिया गोविंद देव। अभी ये जो गोविंद देव है जयपुर में, आप लोग कोई जयपुर गए हो? कौन कौन जयपुर गए हाथ उठा। और ये गोविंद देव को कौन कौन दर्शन किए हैं? दर्शन किए देखे होंगे। जयपुर में सबसे बड़ा मंदिर ये है। आप देखोगे सवेरे मंगला आरती 5 बजे ठंडा का समय में हजार हजार लोग और एक एक झांकी में इतने लोग दर्शन करने आते हैं। कहते वो ठाकुर जी को कोई दर्शन करना, कहते कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करने का फल मिलता। बोले और एक ठाकुर जी बनाओ। बनाए, जब कंप्लीट हो गया बोले देखो बना कि नहीं। बोले कृष्ण का केवल छाती बख्य स्थल आया, उसका नाम रख दिया गोविंद। बोले और एक मूर्ति बनाओ। और एक मूर्ति बनाए, बोले देखो बना कि नहीं। बोले इसमें केवल कृष्ण का चरण आया, उनका बख्य स्थल मुखारविंद नहीं आया, उनका नाम रख दिया श्री मदन मोहन। कहते अगर एक सूर्य अस्त में ये तीनों ठाकुर जी का अगर कोई दर्शन कर लेना, कहते उनको कृष्ण दर्शन करने का उसको फल प्राप्त होता है। अगर एक सूर्यास्त में एक दिन में ये तीनों ठाकुर को दर्शन करना पड़ेगा, कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता। लेकिन जयपुर में आपको केवल दो ठाकुर मिलेंगे, एक मिलेंगे गोविंद और एक मिलेगा श्री गोविंद भाई। लेकिन जो मदन मोहन आपको मिलेंगे करौली, जो कैला मैया है ना, इसलिए करौली में ये मदन मोहन मिलेगा। बोले वहां मदन मोहन गए कैसे? देखो ठाकुर कैसे प्यारे हैं, कैसे भगवान भक्त वत्सल है। आप लोग ने राजा मान सिंह का नाम सुने हो? ये राजा मान सिंह का जो बेटी थी ये सेवा करती थी मदन मोहन जी। अभी बेटी जब शादी के लायक हो गई, राजा ने उनको करौली का जो राजा को साथ में शादी की, उन्होंने कहा बेटी को राजा बहुत प्यार करते थे, बोले बेटी ये बताओ तुमको दहेज रूप में जो देगा तो सो दूंगा, अगर तुम्हारी मन में अगर कुछ इच्छा हो बता दो, तुम्हारी मन में अगर कोई इच्छा हो। इतने में बोले देखो पिताजी आप मेरे को कुछ दो और मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मदन मोहन है बचपन से इनकी मैं सेवा करते करते आई, इसलिए इनके प्रति मेरा बहुत प्रेम है, इसलिए ये ठाकुर जी को मेरे को दहेज रूप में दे दो, इसे ठाकुर हमें दहेज रूप में दे दो। देखो पहले है ना इतने नास्तिक पण नहीं था, सभी को अंदर में आस्तिक पण था। घर घर में आप देखना तुम्हारी मैया मैया मैया, देखो सवेरे उठ करके ठाकुर को पूजा करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, ठाकुर जी को भोग लगाना, हमारी हर हिंदू यही करता था। और इनका जीवन ही भक्ति ही इनका जीवन थी, लोगों को अंदर में पूर्ण विश्वास ठाकुर को ऊपर था, इसलिए वो बेटी ने कही ये ठाकुर मेरे को दहेज रूप में दे दो। लेकिन ठाकुर का नाम ही मदन मोहन, वो बड़े सुंदर थे। बोले देख बेटी तू और कोई ठाकुर ले ले, लेकिन ये ठाकुर को मैं नहीं दे सकता। बोले पिताजी तभी शादी करूंगी जब ये ठाकुर दहेज रूप में दोगे। अभी बेटी में और पिता में लड़ाई हुई, मानसिंह राजा में बेटी की लड़ाई हुई, अभी बेटी का तो शादी देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। बोले देख बेटी तेरे को मैं परीक्षा करके दूंगी। कैसे, क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर को मैं खड़े करके रख दूंगा और तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध कर छोड़ दूंगा, जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करोगे बोले ये ठाकुर मैं वही ठाकुर दूंगा। बोले ठीक है।
जयपुर में बहुत सारे ठाकुर थे, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा माधव, वहाँ बहुत सारे कृष्ण कृष्ण है वहाँ पर। वहाँ पर तो भगवान की कृष्ण पहले राजा कृष्ण भक्त थे, आप जहाँ देखोगे जयपुर में भगवान राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इसलिए जयपुर जहाँ देखोगे भगवान के मंदिर भगवान के मंदिर, सब जगह में राजा ने स्थापना की। अभी बेटी तो बड़े भगत कृष्ण के रात में सोते समय मदन मोहन को रो रो करके प्रार्थना की, अरे ठाकुर जी तू मेरे प्रेम की बात जानते हो, तेरे को सुलाए बगैर मैं सोती नहीं, तेरे को खिलाए बगैर मैं कभी खिला खाती नहीं, तेरे को पहनाए बगैर मैं पहनती नहीं, लेकिन पिताजी कहते हैं परीक्षा करके देखे, अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन। ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हुए, बोले देख बेटी एक काम करना, बोले बताओ, बोले जब आंखों में काला पट्टी बांध देंगे तुम हर ठाकुर का शरीर में ऐसे ऐसे हाथ लगाते लगाते आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे ना मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा, लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगी और मैं समझूंगा। उसने ऐसे किया, सारे जयपुर की जनता इकट्ठे हो गए, ये दहेज रूप में राजकुमारी क्या लेकर के जाएगी, बोले मदन मोहन को, सारा दुनिया लोग इकट्ठे हो गए। जब ठाकुर जी को पास में हाथ लगाते लगाता है ना, मदन मोहन हाथ पकड़ लिए, बोले पिताजी हमें यही ठाकुर दो। मान सिंह तो आश्चर्य में पड़ गए, इतने सारे ठाकुर में पता कैसे चला, बोले बेटी मैं हार गया तो जीत गई तो ये ठाकुर को दहेज रूप में ले जा, इसलिए ये एक ठाकुर आपको करल में मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी करल में शादी हुई। देखो कि वहाँ विशाल मंदिर है, राजा ने बड़े सुंदर मंदिर बना दिया ठाकुर जी के लिए, अभी ठाकुर जी वही पूजा होते हैं। अगर एक सूर्यास्त में अगर ये तीन ठाकुर कोई देखता है ना, कहते उसको कृष्ण दर्शन करने का बल प्राप्त होता है। इसलिए ये बज्रनाभ ने ये सब चीज को स्थापन की। इसलिए एक भजन सुने होंगे, कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते, भगवान सब कुछ करते हैं, तुम भक्त बनो उनका तरफ एक कदम बढ़ा करके देखो, फिर ठाकुर जी क्या करते हैं फिर देखो, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, दुनिया के लिए मर जाते हैं। हम दुनिया में जो कुछ करते हैं ना दूसरों को सुख के लिए करते हैं ना, संसार में जो कुछ करते हैं दुनिया को सुख देने के लिए, पत्नी को सुख दे दूंगा, पति को सुख दे दूंगा, सास को दूंगा, अभी तक सारा जीवन का संसार में सेवा किया, अभी हमारे ऊपर में कोई संतुष्ट हुए हैं बताओ, जिंदगी भर तो संसार की सेवा कर रहे हैं, अभी कोई भी एक व्यक्ति को संसार में कोई सुखी कर पाए, जिंदगी भर किसके लिए करो, थोड़ी सी भूल चुक हो जाए ना, बल्कि मेरे लिए तुमने क्या किया, मेरे लिए तुमने क्या किया हो, जो कुछ देने वाले नहीं उनके पीछे मर जाते हैं, भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, भगवान किसने देखा है, भगवान कौन जानता है, अरे उनके लिए करके देखो तो देखो भगवान तुम्हारे लिए क्या करते हैं, तभी ठाकुर दर्शन देते हैं, नहीं तो संत लोग को क्यों जिंदगी उनके पीछे बिता देते थे, इतनी कठोर तपस्या वाल्मीकि ने क्यों किया, उनका नाम ही पड़ गया वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब क्या है, कहते दीमक शरीर में लग गया, दीमक चाट ली उसका शरीर को, राम 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 करते करते, तभी तो एक दिन दशरथनागर वाल्मीकि बने, तभी तो दशरथनागर वाल्मीकि बने ना, हम भगवान के लिए किया, ध्रुव को ठाकुर जी क्यों दर्शन दिए, तपस्या किए, तपस्या की है, इसलिए भगवान को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो ठाकुर को कृपा होगी ना। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय
से प्यार करते हैं कौन कौन करते हैं? अच्छा कुछ कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, बोले हम तो करते नहीं है, हाथ उठाने से पाप लगेगा। लेकिन देखिए कन्हैया से प्यार है तभी तो यहाँ आए हैं, पता सुन नहीं प्यार क्या यहाँ मुखर्जी नगर में इतने ही लोग हैं? बहुत है लेकिन नहीं आए। क्यों? कन्हैया से प्यार नहीं है तो प्यार है इसलिए यहाँ आए। कथा अच्छी लगती है, ठाकुर के नाम अच्छा लगता है इसलिए सब आए। तो आइए अरे मेरी लगी वो मेरी लगी श्याम सकते ये दुनिया I'm not afraid of the dark.
तो यहाँ जो आने का फायदा तो उठाना चाहिए, क्यों आ रहे हैं?
अरे हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं पता है कि इस जन्म में जो कीर्तन में ताली नहीं बजा तो अगले जन्म में हाथ नहीं होंगे, ठीक है। और इस जन्म में जो कीर्तन महत्व ना बोले तो अगले जन्म में कहा बनेगा पता है इसलिए सभी लोग को हाथ उठाकर क्या बोलना है राधे 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 कृष्ण विरह में एकदम दुखी दुखी हो गए, लेकिन देखा जो काले थी जो यमुने वो बड़ी प्रसन्न हो गई, वो कलकल नहाते से बह रही थी सामने स्टैंड आ गए। महिष्य ने कहा क्यों काले थी, कृष्ण विरह में हम बड़े दुखी है, हम भी कृष्ण प्रिया तुम भी कृष्ण प्रिया, लेकिन तेरे अंदर लोग दुखी नहीं किया कारण है। काले थी कहती है और राधा रानी की कृपा से मेरे को पता है कृष्ण कहीं भी वृंदावन छोड़ कर गए, कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में वृंदावन में। बोले ये रहस्य किसको पता, बोले एक व्यक्ति को, श्री उद्धव जी को, क्योंकि कृष्ण ये उद्धव जी को उन्होंने वृंदावन में भेज करके उनको सांत्वना दी थी। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, बोले अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज तलेटी में श्री उद्धव कुंड के पास में घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों ने गिरिराज परिक्रमा लगाई, कौन कौन लगाई, आप देखना ठीक राधा कुंड से पहले जो कुंड आता है उसका नाम उद्धव कुंड है, बोले अभी भी वहीं पर घास बनकर बैठे हुए, बोले ये उद्धव सारे रहस्य जानते हैं। बोले चलो हम सब के श्री उद्धव जी को पास में चलते हैं, और उद्धव कुंड में आए और सबके साथ बड़ी जोर से कीर्तन की। जब कीर्तन की, कीर्तन का प्रभाव से कहते स्वयं श्री उद्धव जी स्वयं वहां पर प्रकट हुए। जब उद्धव जी प्रकट हुए, उद्धव जी को महिषी ने बोला हे उद्धव जी, कृष्ण तुम्हें वृंदावन भेज करके उनको सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में दुखी है, अभी बताओ कृष्ण मिलेंगे कैसे। तब उद्धव जी ने कहा देखो मैंने भी यही प्रश्न कृष्ण को किया था, बोले तुम तो चले जा रहे हो संसार छोड़ करके, अभी जिंदगी भर हम एक साथ में रहे, अभी हम तुम्हारी विरह को कैसे सहन करेंगे। बोले कृष्ण मेरे को खुद बोल कर गए थे, बोले क्या बोले थे, बोले देखो उद्धव जी मैं तो एक स्वरूप से जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रहूंगा। बोले प्रभु किस रूप में रहोगे, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा, इसलिए भागवत में 12 खंड है, उसमें जो प्रथम द्वितीय खंड ये कृष्ण की दो चरण है, जो तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की तो गुरु है, जो पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की दो हाथ है, अष्टम स्कंध भगवान की वक्ष स्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दशम स्कंध भगवान की मुखारविंद, एकादश स्कंध भगवान का ललाट, और द्वादश स्कंध भगवान का सर। बोले ये भागवत नहीं, बोले तेन अयंग मांग मई मूर्ति,
भगवान ने सप्त ब्रह्म रूप में जीव को कल्याण करने के लिए कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान, कृष्ण स्वयं ये बात को बोले। बोले कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, मेरी कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान कहे तो साक्षात मेरे साथ में वो मिल रहे हैं, कथा रूप में मैं स्वयं हूँ। इसलिए जब नारद जी भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु आप कहाँ लोग, स्वयं भगवान कहते हैं, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे। बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। बोले जोगी नाम हृदय न च, कहते जोगियों का हृदय में रहते हैं। बोले नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो, बोले बद भक्ता जत्र गायंती, जहाँ पर मेरी भागवत कथा होती है वहीं पर मैं पूर्ण रूप में, कृष्ण खुद कहते हैं वहीं पर ही मैं रहता हूँ। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, बांके बिहारी जी से साक्षात रूप में ठाकुर के साथ में हम मिल रहे हैं। इतने में महेश्वर ने बताया फिर हमें कथा सुना, हम भी ये कथा सुनना चाहते। देखो कहते जो भागवत कथा सर्वप्रथम कौन कहाँ पर सुनाए, बोले श्री उद्धव जी जहाँ पर उद्धव कुंड वहीं पर सबसे पहले उन्होंने ये महेश्वरों को कथा सुनाई। हम तो 7 दिन कथा सुने लेकिन उन्होंने 1 महीना तक कथा सुनाया, 1 महीना तक। देखो 1 सप्ताह में तो कथा पूरी होती थी। पहले कथा कैसे होती थी जानते हो, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, इसमें जो हम कीर्तन भजन करते कुछ नहीं होता था, केवल कथा कथा ही होती थी और किसी तरह से ये भागवत पूरी होती थी। अभी उससे कम होता होते 1 टाइम ही हो गया, 4 घंटा नहीं भर 3 घंटा, पर उसमें भजन कीर्तन नाच कूद भर कथा सब जो इतना नहीं हो पाता है। इसलिए अगर 2 टाइम हो, 4-4 घंटा हो, फिर तो किसी तरह से ये भागवत जा करके किसी तरह से ये भागवत पूरी होता है। इसलिए श्री उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने ये भागवत कथा सुनाया। जब ये कथा विश्राम हुई कहते ये साक्षात ये भागवत ग्रंथ से स्वयं बांके बिहारी प्रकट हुई और राधा जी को साथ में, गोपियों को साथ में, पूरे ब्रजवासियों को साथ में स्वयं कृष्ण दर्शन दिए। जब कृष्ण दर्शन दी महेश्वर ने श्री बांके बिहारी जी से मिले, इनके हृदय में जो व्यथा थी कृष्ण विरह की, ये विरह इनकी दूर हो गई। आप लोग देखे ना, जब आप लोग 7 दिन की कथा सुनोगे, कल सुन रहे थे ना ये बच्चा किसके है, उसको बैठा था पीछे पीछे, चल जा पीछे जाकर खेल, सामने नहीं आना। इसलिए देखना कल हम सुन रहे थे ये ज्ञान वैराग्य कैसे अचेतन होकर पड़े हुए थे, ये अचेत होकर पड़े हुए थे, इनको ज्ञान नहीं हो रहा था। इनकी कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके सुनाए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब भागवत कथा हुई, यदि ज्ञान वैराग्य बड़े शुष्क होते हैं, बड़े सुखा इनके हृदय होते हैं, हृदय में कोई रसमस नहीं होता, लेकिन ये भागवत कथा में इतने रस है, इतने आनंद है। जब कथा विश्राम हुई, ये ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे ना, ये सब के सब जवानी हो गई और जवानी होकर के एकदम कीर्तन में कथा में नाच उठे। उसी तरह हमारा हृदय है ना, बड़ा सुखा हृदय है, हमारा हृदय भी बड़ा सुखा हृदय है, लेकिन 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, हमारी सुखा हृदय में भी ये भक्ति की, ये आनंद की संचार कर देगा ये भागवत कथा। और ये भागवत कथा से हम सबके सब आनंदित हो जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम। देखो गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो श्रोता है कभी स्कंध पुराण में, ये श्रोता का विवरण ये स्कंध पुराण में बताया। देखो कल मैं सुना रहा था, श्रोता 2 तरह के, कितने तरह के, एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो अच्छे श्रोता 4 तरह के, कितने तरह के, अभी मैं प्रश्न करता हूँ, बोलो तो अच्छे श्रोता जो 4 तरह के, एक श्रोता का नाम बताओ, कौन बोलेगा हाथ उठा,
मैं चार अच्छे स्वतः नाम बताया था, मधुमक्खी है, मछली है और हंस है और एक बाकी रह गया, हाँ चातक है। हाँ वाह, बहुत अच्छी बात है। अब लोगों ने याद रखा है, कथा को याद रखा। देखो ध्यान देख रहे सुनो, एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने गया, देखा वहां पर तीन मूर्ति है। तो उन्होंने पूछा, भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले पहला जो मूर्ति इसका कीमत 100 रुपया, बोले दूसरा वाला मूर्ति बोले 500 रुपया, बोले तीसरा वाला बोले 5000। बोले भैया तीनों मूर्ति तो बराबर है, आप इतने फर्क क्यों कह रहे हो? बोले तीन गिलास दूध लाओ, अब इसका मैं फर्क बताता। जो पहला मूर्ति था जिसका कीमत 100 रुपया था, जब उसको कान में दूध डाला ना, वो जिधर दूध डाला उधर निकल करके आ गया। बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन जिधर सुनता उधर ये निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 100 रुपया। अभी दूसरे जो मूर्ति, उसको कान में जब दूध डाला ना, इधर डाला तो सीधा इधर निकल कर आ गया। बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन इधर सुन करके दूसरे कान से निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 100 रुपया है। लेकिन जिसका कीमत 5000 रुपया था, जब कान में दूध डाला एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, सब का सब अंदर में चला गया, इसलिए इसका कीमत है 5000। इसलिए हमें कितने हजार की कथा श्रोता होनी चाहिए? 5000, इससे कम नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सचमुच से 5000 का श्रोता है, क्योंकि आप लोगों ने आंसर दे दिया है। पहला नंबर क्या बताया था? मधुमक्खी। और एक बार सुना देता हूँ, मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। इसलिए मक्खी कहाँ बैठता है? गंदी चीज में। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों में। कांटा में एक फूल क्यों नहीं हो वृक्ष में? देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद गर्म कर लेगा और एक सुंदर छत्ता बना देता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी होनी चाहिए। दूसरा नंबर है मछली। मछली का आंखों कभी झपती नहीं, वो एकदम टक टक लगा करके खुली हुई आंख रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? एक मन से खुली हुई आंख टक टक लगा करके एक कथा से चूक नहीं जाए, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है हंस। हंस को दूध दो, वो दूध को तो पी लेगा लेकिन वो पानी को छोड़ देता है। इसलिए हमें जीवन में सार वस्तु को लो, असार वस्तु को त्याग दो। और चौथा नंबर कौन है? बोला चातक। ये चातक पक्षी कभी भी किसी तालाब का पानी, किसी नदी का कुआं का पानी कभी नहीं पिएगा, वो तो तभी पानी पिएगा जब बरसात हो। इसलिए वो हर समय वो पक्षी बोलता है, प्यासा हम, मेरे को पानी करके चिल्ला कर रहता है। इसलिए चातक जैसे हम कथा सुनेंगे तो भगवान की ही कथा सुनेंगे, इधर उधर दुनिया की कोई कथा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए ये चार तरह के श्रोता है, कहते और भी तीन तरह के श्रोता है, एक श्रोता है, एक स्वरता है और एक श्रोता है। बोले श्रोता मतलब क्या है? कहते जो कथा में आकर के सो जाते हैं, जब वो बैठेंगे देख देख करके बैठेगी कहाँ बैठने पर बढ़िया नींद आए, इसलिए इनको कहते हैं श्रोता है। दूसरा नंबर है सरोता। सरोता मतलब क्या है? अब देखना जो सुपारी होता है ना, काटते है कि वैसे नहीं है, इसका ये सरोता मतलब है जो कथा सुनने से जिनका कोई मतलब नहीं, केवल दोष ढूंढने आते हैं, केवल दोष ढूंढने आते हैं। तोता लगाया नहीं, नवग्रह पूजा की नहीं, केले का पेड़ कहाँ है, जो केवल दोष ढूंढने आते हैं, इनकी भक्ति भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं। सार वस्तु पुत्र जो कहती है सरोता है। बोले श्रोता कौन है? बोले हंस। हंस बन करके मधुमक्खी बन करके जो केवल सार को उतारे और असार को जो त्याग दे। इसलिए हमें श्रोता बन करके, अच्छे श्रोता बन करके हमें जीवन में सार वस्तु को हमें ग्रहण करनी चाहिए और असार को हमें त्याग देनी चाहिए।
तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक मिनट महामंत्र कीर्तन करते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, उसके बाद में फिर हम लोग भागवत शुरू करेंगे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब लोग पीछे में कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, स्वार्थे स्वभिक्ख स्वराट तेने ब्रह्म हृदयो आदि कवये मोह्यन्ति जत सूरयो तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री सुखदेव गोस्वामी
जब ये भागवत को प्रारंभ किए तब उन्होंने तीन श्लोक से मंगलाचरण किया। बोले मंगलाचरण का मतलब होता है आप कोई भी काम करो भगवान को स्मरण करते हुए करो, साधु संत को ठाकुर जी को स्मरण करते हुए करो, वो काम जरूर बनेगा। इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर का नाम से सारे अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने तीन श्लोक से मंगलाचरण किया। जो पहला जो श्लोक है कहती है भागवत ग्रंथ का इष्ट कौन है, इसका आराध्य कौन है, इसलिए उसमें किसका नाम नहीं लिया गया, केवल उसमें विशेषण विशेषण मतलब उनकी गुण गुण बताया लेकिन उनको नाम नहीं लिया। इसलिए ये एक श्लोक में बड़ा झगड़ा है। अभी जो जिस देवता को पूजा करता है ना कहते वही सत्यम परम धीम, लेकिन श्री बल्लभाचार्य कहते बोले नहीं ये कोई सत्यम परम धीम ही नहीं, वो परम सत्य वो कोई नहीं। बोले कौन? बोले बांके बिहारी। बोले कैसे आपने बता दिया बांके बिहारी? बोले हम आगे सुनेंगे, जब कृष्णा देवकी गर्भ में आते हैं उसी समय 33 करोड़ देवता गर्भ स्तुति करते हैं। वो गर्भ स्तुति का जो पहला जो श्लोक है बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी सत्य, ये सारे देवता इकट्ठे होकर कह रहे हैं। बोले भैया ये परम सत्य कौन है? कहती है भगवान श्री भाग्य बिहारी ये परम सत्य है। बोले इनसे क्या होता है? बोले जन्मा दस्य जगत, जिनकी इच्छा से ही ब्रह्मा जगत का सृष्टि करते हैं, जिनकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं और जिनकी इच्छा से श्री शंकर जी जगत को संहार करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्पूर्ण किया और जिनकी माया इतने बलवती है। कहते भैया साधारण जीव की बात छोड़ दो, हम सब दशम स्कंध में सुनेंगे, ब्रह्मा भी जिनकी माया में मोहित हो गए और उनके बछड़े सखाओं को चोरी कर लेंगे। कहते स्वयं श्री इंद्र भी जिनकी माया से इंद्र भी मोहित हो गए, जहां पर ब्रज को उन्होंने बहाने के लिए उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने बारिश बरसाए और भगवान कृष्ण गिरिराज बिठा लिए, और बाद में ब्रह्मा और श्री ना श्री इंद्र जी लास्ट में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो, बोले प्रभु हमारे अपराध को माफ करो। इसलिए जिनकी माया में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। हाँ देवा की छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे सार महर्षियों के साथ में। एक दिन नारद जी स्वर्ग में गए थे कि फूल लाए, जिनका नाम था पारिजात पुष्प। ये पुष्प पृथ्वी में नहीं ये स्वर्ग में होता है और वो फूल कभी मुरझाता नहीं, हर समय खिला हुआ रहेगा। वो फूल का बड़ा चमत्कारिता है, एक फूल आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती, एक फूल में इतने शक्ति है। एक दिन नारद जी गए थे स्वर्ग में, स्वर्ग से उन्होंने एक फूल लेकर के आए और कृष्ण अपना महिषियों के साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने कृष्ण को हाथ में फूल पकड़वा दिया। बोले कृष्ण आप रानियों में जिसको ज्यादा प्रेम करते हो ये फूल बदे दो। कृष्ण तो बड़े चक्कर में पड़े गए, बोले ये कहाँ लड़ाई करने के लिए आ गए, क्योंकि कृष्ण हम कहते ना तो क्या नारद जी क्या काम करते हो? क्यों कृष्ण जब रुक्मिणी को पास में होते हैं कृष्ण कहते रुक्मिणी तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ ना और किसी रानी को मैं इतना प्रेम नहीं करता। जब सत्यभामा को पास में होते हैं बोले सबसे ज्यादा प्यारी तू, तेरे जैसे तो हम किसी को प्रेम करता ही नहीं। जब कालिंदी को पास में होते हैं बोले कालिंदी तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ ना मन की बात तेरे को बोलता हूँ और किसी को नहीं बोलता हूँ। कृष्ण तो सबको इसे बोलते रहते। अभी नारद जी बोलते भैया जिसको ज्यादा प्रेम कर दो उसको दो। बोले भैया लड़ाई करने के लिए आ गई, अगर एक को फूल दे दू तो सबके सब भिड़ जाएंगे। अभी कृष्ण चुप बैठे। नारद जी बोले प्रभु मेरे पास में समय नहीं, हम जल्दी जल्दी जाना चाहते, जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हो फूल दे दो। पास में बैठे हुए थे रुक्मिणी क्यों सबसे बड़ी रानी होंगी, इतने में उन्होंने फूल उन्हें रुक्मिणी को दे दिया। जब रुक्मिणी को दी कहते जो सत्यभामा जो 8 बटरानी ये कौन है? कहते जो कृष्ण लीला में उनको जो 8 जो मेन सखियां है ना वही सबके सब यहाँ 8 बटरानी बन करके आए। ये जो सत्यभामा है वो राधा जी की अंश से ही आई है, उनका नाम ही राधा। राधा मतलब क्या?
जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करते हैं। जब और ये रुक्मिणी कौन है, बोले चंद्रावली। जब उन्होंने रुक्मिणी को हाथ में फूल दिया, उधर राधा जी का समय चंद्रावली दिए, सत्यभामा आई, इतनी उनकी क्रोध आई, इतने मान हुई उस तो भरी सभा में प्यार पटकती हुई है, इतने में रोष करके गई और सीधा मान भवन में लेट गई और रोने लग गई। कृष्ण ने कहा देखो कहां नारद जी झगड़ा लगा दिया। इतने में कृष्ण गए सत्यभामा को पास में, जा करके उसको ऊपर जब हाथ रखे ना, सत्यभामा हाथ को फेंक दी, बोले आप ऊपर में जैसे काले अंदर में कम काले नहीं, भरी सभा में था बोले नाक कान कटवा दिए। आप तो बोलते थे तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ और किसी को इतना नहीं करता, तो पता चल गया किसको ज्यादा प्रेम करते हो। कृष्ण ने कहा तू एक फूल के लिए इतना क्रोध कर रहे हो, उसको तो मैंने के फूल दिया, मैंने तेरे लिए स्वर्ग से पानी जाता वृक्ष उखाड़ कर ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो पर चुप रहो, जो एक फूल नहीं देखा मेरे लिए स्वर्ग से वृक्ष ले आएंगे, इतने झूठे हो आप। बोले चिंता क्यों करते हो, चलो मेरे साथ में। बोले चलो, तो उन्होंने सत्यभामा को गरुड़ को पीठ पर बैठा करके गए स्वर्ग में। और उन्होंने इंद्र से बोले देखो मेरी पत्नी सत्यभामा ने रोष की है, एक पेड़ हमें दे दो। इंद्र ने कहा पेड़, तभी ये स्वर्ग की इतने महिमा, क्योंकि ये स्वर्ग में पारिजात पुष्प के बोले स्वर्ग में, ये मर्त्य जगत में है ही नहीं, तभी ये स्वर्ग की इतने प्रशंसा और महिमा। अगर यहाँ से वृक्ष अगर उखाड़ करके ले गए स्वर्ग की महिमा भी नहीं रह जाएगी, हम वृक्ष नहीं दे सकते। बोले अगर राजी खुशी से नहीं दोगे फिर तो मेरे को अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाया और उन्हें जोर जबरदस्ती उन्होंने नंदन कानन में प्रवेश करते हुए जब वृक्ष उखाड़ने के लिए गए, एक साथ में ये 33 करोड़ देवता कृष्ण को साथ में लड़ने के लिए तैयारी हो गई। भगवान अपना सुदर्शन चक्र सारे धनुष को उठाया, सारे देवता को वहां परास्त करके और देखते देखते वहां से वृक्ष उखाड़ कर लिया और सत्यभामा का घर में उन्होंने बो दिया। और सत्यभामा के आनंद की कोई सीमा नहीं, सत्यभामा ने सारे पुनः सारे पटरानी को बुलाया। बोले देखो तुम लोग ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको तो ठाकुर एक फूल दिया, देखो मेरे लिए तो उन्होंने स्वर्ग से भारी जात वृक्ष को उखाड़ करके ले आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुह्यंति जत सुरयो, बोले जिनकी माया ऐसे ही जहाँ पर सारे देवता को जिन्होंने परास्त और मोहित कर देते हैं, जिनकी माया कोई नहीं समझ पाते हैं, कहते ऐसे जो परम सत्य भगवान कृष्ण है हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की। तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठाते हैं हमारे रसिक टीकाकार, बोले भैया जो पहला श्लोक में जो भगवान को प्रणाम किया है, क्या केवल कृष्ण को प्रणाम किया ना और को नहीं? बोले नहीं केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं, बोले सत्यंग परम धीमहि। ये जो परम सत्य है, जो परम बताया भगवान की जो पराशक्ति श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए क्योंकि बोले राधा के बगैर जो कृष्ण है वो आधा है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण किसी को भी बोलते हुए नहीं मिलेगा। आप बताओ वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं वृंदावन में। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, वहां कृष्ण क्यों नहीं लेते हैं? ये कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात तदामी भक्ति उत्तमम। अगर किसी ने रात भर बोल देना, कृष्ण कहते भैया मैं तो चिंता में पड़ जाता, इसको क्या दे करके मेरे को मुक्ति मिले। लेकिन ना अक्षर की इतने महिमा, कहते भैया विश्व ब्रह्मांड में इसकी विनिमय में देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं रह जाता है, फिर मैं खुद को खुद दे देता, आज से मैं तेरा ही बन गया। अगर कोई धा बोल देना राधा, अगर ये दो अक्षर कोई बोल दे, कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 ढूंढता रहता हूँ। इसलिए एक भजन है ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे।
भोली भोली चंचल बिहारी राधा रानी भोली भोली चंचल बिहारी राधा रानी चंचल तुम्हारे बिहारी राधा रानी चंचल तुम्हारे बिहारी प्रथम श्लोक जो है वो ध्यान है। बोले किस पर ध्यान करते हो? बोले केवल बांके बिहारी नहीं, उनको साथ में श्री ईश्वर जी की राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कहते मंगलाचरण का जो दूसरी श्लोक बोले प्रतिज्ञा। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लिया? बोले एक श्लोक में हमने तीन प्रतिज्ञा लिया है। कहते धर्म प्रजीत कैतव अत्र। कहते एक श्लोक में तीन अत्र है। अत्र मतलब क्या? बोले ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में। बोले भागवत ग्रंथ में क्या है? बोले जिसमें किसी कपटता की स्थान नहीं, धर्म अर्थ काम तो है नहीं। कहते यहाँ पर पक्षों को भी स्थान नहीं दी, जहाँ पर केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, केवल भगवान के प्रेम को जहाँ पर स्थापन की। बोले जो दूसरा अत्र है बोले वेद्य वास्तव अमृतम। कहते भागवत में वास्तव सत्य जो भगवान है उनकी महिमा जहाँ पर स्थापन की गई। बोले जो तीसरा अत्र है बोले हृदय अवरुद्धते अत्र। देखो ये कथा की कितने महत्व है। जैसे हमारे नरेश प्रभु जी ममता दी जी से कथा करा रहे हैं, अभी आप लोग कथा में नहीं आए, अब घर में बैठे हैं, लेकिन आपको पता चला इनकी घर में भागवत कथा होने जा रही है। आपको पता चला है अभी नहीं आई कथा में, लेकिन केवल आपकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा। केवल इतना इच्छा मात्र से ही उसी समय भगवान आकर के उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में घुसे और अपने आप को कुंडी लगा करके बंद कर दे। कहते भगवान उसको हृदय में बंद हो जाते हैं, भगवान को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही। कहते भैया सचमुच से अगर कोई घर से आकर कथा सुनने में बैठ जाए, बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, उसकी महिमा बता ही नहीं सकते हैं। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं? बोले सुश्रूषी। सुश्रूषी मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी कोई कथा में बैठ सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमारे तो कोई पुण्य है फिर कथा क्या नहीं सुन सकते हैं? बोले आकर कथा में बैठ जाओ और कथा सुनते सुनते अपने आप ही तुम्हारी पुण्य उदय हो जाएगी। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, पाप दिया संगता सोइ, अति हरि कृपा जा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा कौन सुन सकते हैं? बोले जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो, विशेष कृपा हो पार्वती, पाप दही ये संकट से तभी ये सत्संग को वही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं। यह जो तीसरा मंगलाचरण श्लोक बोले ये आशीर्वाद देता है। भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। कहते हम कथा नहीं सुन रहे हैं, कहते ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, कल हम सुन रहे थे ना, कल्प वृक्ष मतलब जो मांगो वही मिलेगा। अगर सात दिन नियम पूर्वक कथा सुन लो, देखना सात दिन में
सारी इच्छा को ये भागवत तुम्हारी सारी इच्छा पूरा कर देगी, इसलिए इसको कल्प का वृक्ष बताया गया। और एक चीज को समझो, भागवत हमें सब कुछ देने वाली, जो मांगो वो वही देगा, लेकिन हमें मांगना तो सीखनी चाहिए ना। अगर मांगना नहीं सीखो तो मैं ठग जाऊंगी। एक उदाहरण दिया, बोले कोई गरीब ब्राह्मण था, आगे आ जाओ, कोई गरीब ब्राह्मण था, इतने में उन्होंने धन कुबेर को उन्होंने उपासना की, इतने में धन कुबेर जो प्रसन्न हो गया, बोले भैया बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो बेचारा गरीब ब्राह्मण, उसको पास में एक गैया थी, बोले कुबेर जी मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। कुबेर जी ने देखा कितने बेकूफ देखो, अरे मैं इतने धन दौलत तेरे को दे सकता हूँ ना, तुम भी खा, तेरे बेटे के बेटे के बेटे भी खा, तभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुबेर को पास में आकर क्या मांग रहे हो, गैया को खाने के लिए चुना भूसी, इतने तो बेकूफ आदमी हो। हाँ देखो, इसका मतलब है अगर ये भागवत ग्रंथ से, ये तो सब दे सकते हैं, अगर ये संसार की वस्तु मांग लो ना, बेटा नहीं बेटा दे दो, दे दे, धन दौलत नहीं धन दौलत दे देंगे, बेटा बेटी की शादी नहीं होती है शादी करा देंगे, दुकान वकान जो मांगो से दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कहते भैया लेकिन ठग जाओगे, ठग जाओगे क्यों, उनसे ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगोगे सब कुछ जीवन में तुम्हें, इसी जीवन में भी सुखी और उसी जीवन में तो आने दी आनंद। और क्या चीज है बताओ तो, कौन सा चीज? हाँ माता जी बड़ी बुद्धिमान है, इसलिए देखो हनुमान जी की चीज सीख लो। जब भगवान श्री हनुमान जी जब माता सीता को उद्धार करके लाए, भगवान राम हनुमान के ऊपर भी इतने प्रसन्न हो गए, बोले हनुमान जी अगर तू नहीं होता तो माता जानकी को उद्धार होना बड़ा कठिन, तेरी कृपा से माता जानकी को उद्धार हुई, आज तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दिल खोल करके जो मांगना तू मांग ले। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पदा सरोज अनुपाई भक्ति सदा सतसंग। ये हनुमान जी शिक्षा देते हैं, कहते प्रभु आपकी चरण में बारंबार मैं प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या चाहते हो? बोले आपकी चरण में हमें अनुपायनी अहितु की निष्काम भक्ति और उस संतों का संग हमें प्रदान करो। अगर भगवान अगर मिल गए ना, भक्ति से प्रभु मिलते हैं, अगर ठाकुर जी का अगर तुम बच्चा बन गया, जैसे अंबानी अगर उसी घर में तुम्हारी जन्म हो गया, फिर क्या होगा, सारे संपत्ति का मालिक तू ही बन जाओगे, जिसका बेटा बनोगे सारे संपत्ति का मालिक बन जाओगे। अगर भगवान की भक्ति अगर बेटा बन गया ना, तो छोटी मोटी चीज क्यों मांग रहे हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो तुम ही बन जाओगे, सारा दुनिया का मालिक तो तुम ही बनोगे अगर उनके बेटा बन गए तो। इसलिए और भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, इसलिए ठाकुर जी के चरण में उनकी सेवा और उनकी भक्ति की प्रार्थना करो। इसलिए जो तीसरा श्लोक है, ये आशीर्वाद देता है, क्या आशीर्वाद देता है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले भागवत क्या है, बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल है। लेकिन एक तो पका हुआ फल है, फिर दूसरे में बोले सुख मुखार अमृत। लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से कथा निकली, उसमें और भी ज्यादा मधुरता हो गई। बोले क्यों मधुरता क्यों हो गई, बोले कारण है कि जो सुख है ना, ये जो तोता है ये कोई साधारण तोता नहीं, ये तोता कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, बोले राधा रानी की ये प्रिय तोता है, जिसको राधा रानी की निकुंज महल में रहने वाले, अरे कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन करते थे, चुंबन करने पर राधा जी की जो अधरा मृत उसको थोटे में लगा लिया। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए, 100 साल 150 साल 500 साल 1,000 साल के, लेकिन जब कथा सुने है ना, सबसे छोटे बच्चे से कथा सुने सुखदेव गोस्वामी, कई बार कई 16 साल, बोले क्यों, बोले राधा जी की प्रिय तोता है, राधा जी की अधरा मृत जिसमें लगा हुआ। इसलिए अब राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ तो क्या होगा, जोर से बोला धारा होगा। इसलिए राधा नहीं, कहते कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री
राधा रानी। इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव सचुतम। बोले भैया क्या कर, बोले पी बतम। बोले पियो, खूब पियो। बोले भैया आपने बताया ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, आप लोग बताओ फल को खाते ना फल को पीते हो? बोलो, अरे फल खाते ना पीते हो? बोलो खाते ना पीते हो? खाते हैं, लेकिन यहाँ कहते पियो। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, केवल जिसमें रसी रस है। जैसे किसी रस को आप पियो, आप बताओ तो जब हम कोई चीज पीते हैं किधर से पीते हैं? अरे बोलो किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है? कानों से। देखो मुंह से पीना और कानों में पीने का क्या फर्क है? आप कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे वो नीचे निकलेगा ही, आप अंदर में रख ही नहीं सकते। लेकिन जो चीज कानों में पियोगे वो निकलेगा? वो नहीं निकलेगा, हमारे हृदय में टिकेगा। इसलिए कहते हैं भैया ये चीज को पियो। कैसे? बोले कानों से पियो। बोले भैया कब तक पियेंगे? बोले आलयम। आलयम मतलब पी पी करके जब तक बेहोश नहीं हो जाते हैं ना तब तक पीते रहो। जैसे शराब पिए कब तक पिएगा? पी पी कर जब बेहोश नहीं हो जाएगा। बोले जब फिर उठो बोले फिर पियो, छोड़ना नहीं, पीते रहो। लेकिन बोले भैया पीते तो हो निकल जाती है, रहती नहीं, क्योंकि हमारी अंदर में छेद ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इधर पीते और दूसरे तरफ से निकल जाती है। हाँ आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं देखूंगा कौन उत्तर दे पाता है। ध्यान देकर सुनो मेरे प्रश्न। एक कलसी है जिसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे ना क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो अगर उसमें पानी डालोगे एक बूंद नहीं निकलेगा? ऐसे कौन सा उपाय है भले जितने छेद हो कभी उससे निकलेगी नहीं? कौन बोलेगा? हाथ उठा। इसलिए देखो इसका उत्तर सुनो, अगर वो कलसी को अगर पानी में डुबो करके रख लोगे ना वो भले ही जितना छेद हो वो वहां से पानी नहीं निकलेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते मुह रहो, ये रस को अगर पीते 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 रहोगे ना जितने तुम्हारे हृदय में काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो वो निकलेगा नहीं। जैसे अभी हम सभी का हृदय में काम क्रोध लोभ सभी का हृदय में है, लेकिन जैसे हम कथा सुन रहे हैं अभी पी रहे हैं रस को, अभी किसको काम क्या सता रहा है? ना लोभ सता रहा है, ना मोह सता रहा है, कोई कुछ सता रहे हैं किसको? इसका प्रभाव नहीं। लेकिन केवल कथा से निकल जाओ ना, केवल गेट से बाहर निकल जाओ, इतना सारी काम क्रोध आकर के फिर बैठ जाएगी। लेकिन जब तक कथा सुनते रहोगे तब तक ये निकलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं मुह रहो रसिका भूमि भावुका। बोले रस को कौन पी सकते हैं? बोले दो व्यक्ति ही केवल पी सकते हैं, एक रसी और एक भावुक पी सकते हैं। बोले भैया ये रस को पूर्ण रूप में किसने पिया है? कहती है ब्रज की गोपियों ने जैसे ये रस पिया है ना, इसलिए और कोई ये रस को पी नहीं पाए, इसलिए उनका नाम गोपी। गोपी मतलब क्या? गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है। देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरु जी है ना एक सुंदर छोटी कथा सुना, कैसे पीनी चाहिए। बोले ब्रज में कोई एक नवेली आई, नवेली समझती हो जो घर में नई शादी होकर बहू आती है। ब्रज में जो गोपियां शादी होकर आती है वो कोई साधारण लड़की मत समझो, ये करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य का फल से जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र पे उपासना कर रहे थे, लेकिन प्रभु राम को देख कर उनको श्याम भी याद आए। बोले प्रभु हमसे शादी कर लो। बोले नहीं, रामावतार में एक सीता के सिवाय और किसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता, तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वो जो ऋषि लोग बड़े बड़े तपस्वी वो सब के सब गोपी बन करके ब्रज में आए, वो कोई लड़की नहीं है वो लोग सब के सब। अभी घर में कोई ब्रज में कोई नई बहू आई शादी करके, अभी कृष्ण रोज गैया चराने के लिए रोज जाते हैं, जब जाते हैं
ठाकुर जी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुनते ही जितने सबके सब ब्रजवासी घर का सारे काम का छोड़कर बाहर निकलाती, बोले क्यों, बोले कृष्ण दर्शन शाम को फिर मिलेगा और दिन भर मिलेगा नहीं। अभी जो एक नवेली आई ना, बोले मैं भी जाऊंगी कृष्ण दर्शन के लिए, लेकिन उसकी सांस ननद, बोले खबरदार जाना नहीं, बोले क्यों, बोले वो काला सांप अगर एक बार काट दिया ना उसका जहर भर नहीं उतरेगा, उसकी जहर नहीं उतरेगी, इसलिए खबरदार जाना नहीं। बोले भैया तुम बूढ़ी होकर के जा रहे हो, मेरे ससुर जी बूढ़ा होकर के जा रहे है, ननंद भी जा रही है, वो काला सांप किसको काटेगा नहीं, मेरे को काटेगा, बोले तेरे को काटेगा और किसको काटेगा, इसलिए खबरदार जाना ही नहीं। बोले भैया मैं तो जाऊंगी। अभी वो अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी, लेकिन कृष्ण को पता है कौन कहां पर किस रूप में मेरे को पूजा कर रही है, वो घटघटवासी सब जानते हैं। अब इसकी प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण ने किया क्या, एक बछड़े को एक गोपी के तरफ में करके उसका पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया। ऐंठते ही वो बछड़ा फुदकते हुए वो गोपी के पास में पहुंच गया। कृष्ण बहाना बना करके आए और उसको कपल में एक बंसुरी का स्पर्श कराया और उनको तरक ने देख करके थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई और एक बार तेरी सी चितवन से उनको देखा, कहते उनको तेरी सी चितवन नहीं, वो तीर है, एक बार किसकी तील में चुभ जाए ना इस पार से उस पार हो जाता है। उनकी मीठी मीठी मुस्कान हाट नहीं है, जादू है, और इनका स्पर्श पा करके ना वो जो गोपी थी वो तो बाबरी की बाबरी बन गई, वो एकदम पागली बन गई। कृष्ण उसकी मन प्राण चित्त को लेकर के कृष्ण चले गए और वो खड़ी से खड़ी, क्योंकि मन तो नहीं कृष्ण लेकर गए। अभी उनकी सांस ने देखा भैया बहू कहाँ गई, बहू कहाँ गई, देखा बहू तो ठगी से ठगी खड़ी। बोले तेरे को मैं पहले बोला था ना वो काला सांप काट जाएगा, बड़े जहर नहीं उतर के काट गया ना तेरे को, पहले से मैं मना कर रही थी तू सुनी नहीं। अभी वो सांस सोच रही है भैया इसको किसी काम में लगा दो फिर मन वापस आ जाए। बोले एक काम करो यहाँ पर बैठ करके दधि मंथन करो। लेकिन थोड़ी देरी बाद में आकर के देखती है वो दधि मंथन क्या करेगी, वो तो राई को मंथन कर रही थी, क्योंकि मन तो है नहीं। बोले एक काम करो जाओ कुएं से पानी भर करके लाओ, सर के ऊपर में तीन चार मटकी रख दी, एक रस्सी पकड़ा दी, एक बच्चे को हाथ में पकड़ा दी, बोले जाओ कुएं से पानी भर करके लाओ। लेकिन वहां पर और भी कुछ गोपियां पानी भर रही थी, वो कलसी में फांद क्या लगाएगी, और रस्सी का फांद जो साथ में बच्चा था ना उसकी गले में फांद लगा दी और उसी को ही कुएं में उतार रही थी। कुछ वहां पर गोपियां खड़ी थी, बोले भैया इसको तो भूत लग गया, इसको तो भूत लग गया। लेकिन कुछ गोपियां अनुभूति संपन्न गोपियां थी, बोले इसको भूत नहीं, ये नंद बाबा की मैया जस्ता की पूत लग गया है, या तो उनको पुत्र को भी भूत लग गया है। साधारण भूत होता तो छूट जाती, लेकिन कृष्ण रूपी अगर भूत लग गया ना फिर तो ये भूत छोड़ने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया भागवत का आशीर्वाद क्या है, बोले इनका आशीर्वाद है गोपी भाव से जब भगवान की हम भक्ति करेंगे। भागवत हमें यही प्रदान करना चाहती है, यही भागवत के श्री आशीर्वाद है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री बोले ओम निमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय स्वत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। बोले एक समय ये कलिजुग आने पर ये सौनकाद ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ब्रह्मा जी ये कलिजुग आया है, अब ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा जी बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरे समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करो, ये कलिजुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर में नहीं पड़ेगा। वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य में, वहीं पर हजार सालों से वहां पर यज्ञ कर रहे थे सौनकाद ऋषि लोग, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिल रही, उनके केश हृदय तक भी जल गए।
एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए, उनको आसन दे करके बैठाए। बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास को आपने गुरु जी के आशीर्वाद से अपने अध्ययन किया और सारे शास्त्र की रहस्य भी अब समझा। देखो यहाँ पर एक चीज समझा रहे हैं, अगर कोई सोचे हम शास्त्री किया है, हमने संस्कृत में PhD किया है, खुद शास्त्र ग्रंथ को पढ़ करके समझ लेंगे, बोले नहीं, शास्त्र पढ़ कर कोई मरते और कोई तरते हैं। जैसे समुद्र मंथन से बीस भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, अगर सद्गुरु अगर गुरु परंपरा से अगर ये ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, ये भागवत अमृत नहीं, ये विष प्रदान करेगा। फिर तो ज्ञान तरफ में जोग कर्म तरफ में ले जाएगी, भक्ति नहीं देगी भागवत। इसलिए भागवत खुद पढ़ने का ग्रंथ नहीं, ये पढ़ने का नियम है, गुरु परंपरा से ये भागवत ग्रंथ को पढ़नी चाहिए। देखना इसी दुनिया में जब कोई बच्चा पढ़ता है, भले ही उसको पास में पुस्तक हो, लेकिन कोई एक्सपर्ट किसी टीचर को पास मिल जाता है। जब साधारण दुनिया की पाठ पढ़ने के लिए तुम्हें कोई एक्सपर्ट कोई टीचर चाहिए, और जहाँ ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, वो अपने आप पढ़ लो ग्रंथ को, वो बीस देगा, वो भक्ति नहीं देगा तुम्हें, अमृत नहीं, वो बीस प्रदान करेगा। इसलिए कहते आप श्री गुरु परंपरा से गुरु जी की कृपा से ही तुमने ये सारे वेद पुराण इतिहास को तुमने सब समझा हो, और ये घोर कलिजुग है, और ये कलिजुग में बोले प्रायण अल्पायु से समझा, सत्ययुग में 100,000 साल जीता रहते, तृतीया युग आ गया 10,000 हो गया, द्वापर युग आ गया 10,000 से 100 घटा दो हो गया 1,000, कलिजुग आ गया, आप बताओ 1,000 से 100 हटाओ तो कितना होगा, बोलो 1,000 से 100 हटाओ तो कितना होगा 100। जब घोर कलिजुग आएगी ना, 100 से 100 हटा दो कितना हो जाएगा, कितना होगा 10 साल। इसलिए ये सब पुराण में वर्णन आते हैं, क्योंकि अभी कलिजुग में सब हाइब्रिड देकर बनाते हैं, कोई चीज आपको प्योर मिलेगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे ये परमाणु धीरे धीरे घटते जा रहे हैं कलिजुग में। इसलिए और कलिजुग में बोले मंदा सुमंद लोगों का जो मन है वो स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाते हैं, स्वाभाविक रूप में, पर ये इंटरनेट फिर मोबाइल स्मार्टफोन पर ये सब चीजें आ गई है, हैं कहते ये सब चीजें आ गई है, इसलिए लोगों का जो मन है ना एकदम दूषित हो गया, लोगों का मन एकदम दूषित हो गई है। तुम यहाँ क्या करते रहते हो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। कहते झुपद्रुता, बोले झुपद्रुता मतलब क्या, कहते अगर पत्नी थोड़ी सत्संग में जाती है, अगर सत्संग में जा करके अगर थोड़ी सी सत्संग का रंग चढ़ जाए, थोड़ी सी कंठी माला तिलक भजन करना शुरू कर दे, पति क्या बोलेगा, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई तू, ये गीता भागवत पढ़ने और तिलक कंठी लगाना शुरू कर दे। अगर पति अगर कहीं सत्संग में थोड़ी गए, अगर थोड़ी रंग चढ़ गया, पत्नी बोले क्या, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, कोई काम धाम ही नहीं। अगर बच्चा अगर थोड़ी सी रंग चढ़े, अगर तिलक माला कंठी बहने, बोले ये कोई तेरा उम्र है भजन करने की, लेकिन बच्चा अगर शराब पीता ना, बोले वेरी गुड, शराब बड़ा अड़वान सिगरेट भूखता है, बोले वेरी गुड, बढ़िया बेटा, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करे, बोले कोई उम्र है भजन करने का, लेकिन शराब पीने का उम्र है, बीड़ी सिगरेट फूकने का उम्र है, जुआ खेलने का लड़कीबाजी करने का उम्र है, लेकिन भक्ति करने का उम्र नहीं। इसलिए बोले कलियुग में बड़ा उपद्रव है भजन करना। इसलिए श्री सोनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है, कहते हैं 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत है। आज मैंने आपको ये 6 प्रश्न में बताऊंगा और मैं कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, आज तो आप लोगों ने पास होंगे, श्रोता बता दिए, अरे अभी मैं 6 प्रश्न करूंगा,
छह प्रश्न कल आपसे फिर मैं सुनूंगा, ठीक है? क्या क्या ये प्रश्न है? जो पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। हम लोग जीवन में जो कुछ करते हैं, जीवन में हम जो कुछ करते हैं केवल एक चीज के लिए करते हैं, शांति। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? शांति के लिए। शादी शुदा क्यों करते हैं? शांति के लिए। दुकान वकान क्यों बनाते हैं? शांति के लिए। बच्चे क्यों जन्म देते हैं? शांति के लिए। हर चीज जो कुछ करते हैं शांति। लेकिन एक आश्चर्य चीज देखना, जीवन तो शांति के लिए सब कुछ करते हैं, सामने जैसे एक समस्या, ये प्रैक्टिकल रूप में देखें, सामने तुम्हारी एक समस्या, हम सोचते हैं भैया किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाए ना, हम चैन मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना, वो एक समस्या तो तुम्हारी दूर नहीं हुई, सामने दो समस्या है। फिर जी जान लगा देते हैं किसी तरह से दो समस्या हल हो जाए, शांति मिलेगी। लेकिन दो समस्या दूर नहीं हुई, उसमें तीन समस्या। जैसे हाथी दलदल में फंस जाता है, हम भी अंतिम समय तक केवल शांति ढूंढते ढूंढते जीवन खत्म। इसलिए भागवत में कहते हैं हम शांति किसको मानते हैं, बोले दुख का प्रतिकार को ही शांति मिलते हैं, लेकिन जिंदगी भर उसको शांति नहीं मिलती। शायद ये होने पर शांति मिलेगी, करते 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 जीवन खत्म, जीवन शेष। इसलिए कहते केवल दुख का प्रतिकार करते करते जीवन खत्म। लेकिन इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, अब इसका उत्तर भी सुनेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, देखो एक 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 प्रश्न से दूसरा सब प्रश्न जुड़ी हुई है। जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? क्योंकि इसमें शिक्षा देते हैं, जब तक जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। तो उन्हें सात उदाहरण देकर समझाए, कहते बारी मथे है घी। अगर कोई बोले हमने पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, आप बताओ पानी मंथन करते करते घी निकलती है? अगर कोई बोले पानी मंथन करते करते घी निकाल दिया, गोस्वामी जी कहते मैं ये मान सकता। अगर कोई बोले रेती को पीस पीस करके मैंने तेल निकाल दिया, रेती से पीसने से तेल निकलती है, बोले ये भी मैं मान सकता। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, आकाश में कहीं फूल खिलती है, बोले ये भी मैं मान सकता। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, बांझ तो इसलिए तो बेटा नहीं है, बोले ये भी मान सकता हूँ। कोई बोले खड़गोश का सींग हो गया, बोले ये भी मान सकता हूँ। कोई बोले कछुआ का पीठ के ऊपर में बाल हो गया। उन्होंने ये उदाहरण देकर कहते जो असंभव है अगर ये कभी संभव हो सकती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई जीवन में प्रभु का भक्ति नहीं करे, बोले भैया हम तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, हम सुखी नहीं। बोले भैया रावण जैसे व्यक्ति को सुख नहीं मिला, तुम कितने पैसा कमा लोगे? पास में कितना सोना होगा, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो? जिसका लंका ही सोने की सोनी लंका। हम सोचते हैं अगर किसी अच्छी छोरी से शादी कर लेना, अगर कोई सोचे कोई सुंदरी किसी लड़की से शादी कर ले, सुखी हो जाएंगे। रावण का पत्नी का नाम क्या था बता सकते हो? आप बता सकते हो? मंदोदरी मतलब क्या होता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर। और विश्वकर्मा की बेटी थी उस समय, मिस यूनिवर्स, और विश्व सुंदरी थी, उसके बराबर सुंदर जगत में कोई नहीं थी। रावण को जहां से सुंदरी अप्सरी सुंदर स्त्री मिली, पकड़े पकड़े उसने जोर जबरदस्ती पटरानी बनाई अपने, और लास्ट में सीता को बूटा कर ली गई। इतने सुंदर इसकी स्त्री थी, और उनके पास में बेटा मेघनाथ, जैसे रामायण देखे होंगे ना, कितने आज्ञाकारी बेटा, चैन नहीं था। इतने सब प्राप्त करके भी बेचैन नहीं, बेचैन में रहता था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था। कौन रहा था चैन में? कहते श्री विभीषण रहा था। बोले क्यों? वो भगवान की राम की शरण में था, भगवान राम की शरण में था। इसलिए यहाँ शिक्षा देते भैया
सारा विश्व ब्रह्मांड का संपत्ति अगर एकट कर लो, अगर भगवान की भक्ति अगर नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं, ये विषय वस्तु को भी शांति दे नहीं सकता। क्यों? संसार में हर वस्तु अनित्य है, अशाश्वत है, हैं? जो वस्तु अनित्य अशाश्वत हो वो तुम्हें शाश्वत शांति कैसे दे सकता है? जो शाश्वत, जो आनंदमय, वो तुम्हें आनंद प्रदान कर सकता है, बोले कौन? बोले भगवान की भक्ति। इसलिए उनके दूसरे प्रश्न है, कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की हमें कथा सुनाओ। बोले कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, कहते एक द्वारकाधीश, एक मथुरेश और एक ब्रजेश। बोले हमें ये तीनों कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। जो चौथा प्रश्न है, कहते केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कभी राम बन करके आए, भगवान कभी नरसिंह रूप में आए, भगवान कभी बामन रूप में आए, भगवान कभी मत्स्य कुर्म भराव, भगवान ने कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान की सारे अवतार का कथा सुनाओ। जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जो जस है, जो पराक्रम की कथा सुनाओ। जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये संसार छोड़ करके चले गए, धर्म कलियुग में कहां पर उन्होंने आश्रय लिया? जब उन्होंने ये छह प्रश्न को की, ये छह प्रश्न केवल भगवत संबंधी प्रश्न था, ये दुनियादारी का कोई प्रश्न नहीं। इसको सुन करके सुत गोस्वामी इनके रोम रोम खिल गया। बोले वाह, तुमने कितना सुंदर अच्छी प्रश्न किया है। जो प्रश्न की उत्तर में केवल हरि चर्चा, केवल दुनिया की कोई चर्चा नहीं, प्रभु की चर्चा होगी, प्रसन्न हो गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, संत कौन है, संतों का लक्षण क्या है? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, मत कथा मत गता चिंता बोधया देश परस्पर। केवल जो भगवत चिंतन में, भगवत कथा में, भगवान की भक्ति में जो डूबे हुए वो संत है। अगर संतों के पास में जाकर दुनिया की बात करने लग जाओ, फिर वो संत खुश नहीं होते। बोले क्यों? वो भगवत चिंतन में डूबे रहते हैं। जब दुनिया की बात किया ना, उसको भगवत चिंतन छुड़ाए और दुनिया की बात में ले आए। इसलिए जो सही संत भगवत स्मरण में ही वो खुश रहते हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। बोले मैं सबसे पहले अपना गुरुजी की चरण की वंदना करता हूँ, फिर तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उन्होंने गुरु जी की चरण की वंदना करते हैं। बोले बंदाऊं गोरो पाद पादो मा परागा, बंदाऊं गोरो पाद पादो मा परागा, बंदाऊं गोरो पाद पादो मा परागा, बंदाऊं गोरो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare
मछली को फेंकेगा फिर दो बार पकड़ कर खाएगा। कोई एक व्यक्ति था, अभी ये चिड़िया की कला को देख करके बोले बाप मछली को ऊपर फेंक देता है और झट पकड़ कर खा लेता है। अभी उसने उसी से ये कला को सीखा, उसने क्या किया एक लकड़ी की चाकू बनाया और लकड़ी का चाकू को इसे ऊपर फेंकता है और उसको मुंह से पकड़ता है। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, अभी उसने लोहे के चाकू बनाया, बना करके इसे ऊपर फेंकता है और पकड़ता है और इसी को ही अपना बिजनेस बना दी। जहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे हुए देखे ना, वहीं पर बड़े जोर से बाजा बजाएगा, ड्रम बजाएगा। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे फेंकेगा और पकड़ेगा, यही उसका अपना जीवन का बिजनेस बना लिया। एक व्यक्ति ने कहा वाह क्या तेरे गुरुजी ने विद्या सिखाई, हाँ क्या गुरुजी तेरे को विद्या सिखाई। इतने में उसने कह दिया गुरुजी थोड़ी सिखाए, मैं अपने आप सीख गया।
मैंने अपने आप सीख लिया, गुरु जी मेरे को थोड़ी सिखाए। एक ने कहा भैया और एक बार दिखाओगे? उसने किया कि वो चाकू को उसने ऊपर में फेंका, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गया ना, वो चुक गई, सीधा नाक के ऊपर गिरा तो नाक ही कट गया। देखो उसने कहा ना मेरे को गुरु जी थोड़ी सिखाया, लेकिन उसका गुरु जी कौन था? वो चिड़िया था। इसी जगत में देखना, कोई भी चीज करते है ना इससे देख करके सीखते हैं, बिना देखे कोई चीज हम सीखते नहीं। अभी तक तो वो सक्सेसफुल होता था, लेकिन जब उसने बोल दिया गुरु जी मेरे को थोड़ी सिखाया, अपने आप हमने सीख गई, गुरु जी मेरे को नहीं सिखाया, उतने में सारे उसको विद्या निष्फल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो भक्ति है ना, ये गुरुमुखी विद्या है। तब तक ये विद्या काम करेगी जब तक गुरु जी को सम्मान दोगे। अगर गुरु जी का असन्मान कर दिया ना, तुम्हारी विद्या भी वही पर सत्य साहब वही निष्फल हो जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपना गुरु जी को श्री सुखदेव गोस्वामी को वंदना की, बोले मेरे गुरु जी ऐसे जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, साधारण बच्चा तो 9 महीना रहता है, मेरे गुरु जी 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। एक दिन व्यास देव जी ने कहा बेटा माँ को क्यों इतना कष्ट देते हो, निकल करके आ जा। बोले प्रभु, बोले पिताजी ये जो संसार है ना माया के संसार है, हर बच्चा मातृगर्भ में जब दुख कष्ट भोग करता है, टाटी पेशाब थली में रहता है, बड़ा दुख भोगता है, हजार जन्म की बात याद आता। बोले प्रभु मेरे को नरक से निकाल दो। ध्यान देख रहे सुने कथा को, बोले नरक से निकाल दो। भगवान कहते क्या करोगे? बोले प्रभु मैं देख लिया सुख का समय में दुनिया साथ था, दुख में कोई साथ में नहीं, ये संसार केवल मतलब का संसार है, अगर एक बार मेरे को निकालोगे ना मैं कसम खाता हूँ उठते बैठते सोते तेरा नाम जप करूंगा। ये जीव यही कसम भगवान से खाता है। भगवान कहते भूलोगे नहीं? कि तुम भूलोगे नहीं? बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। बोले भूल जाओगे तो? बोले कसम खाता हूँ भूलूंगा नहीं। भगवान कहते देख बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं वार्निंग भी दूंगा। बोले प्रभु क्या वार्निंग दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना समझना ऊपर जाने का समय हो गया है। लेकिन उसका वार्निंग अगर एक बाल पक जाए हम उसको उखाड़ देते। बोले थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी क्यों बना रहे? भगवान कहते फिर हम दूसरा बाल पक जाती है उसको भी उखाड़ देते हैं, लेकिन जब खिचड़ी हो जाए फिर मेहंदी लगा देते हैं, फिर कलर कर देते हैं। बोले हमारा बूढ़ा बूढ़ा कुछ नहीं है। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या? बोले आंखों में कमजोरी आ जाए, फिर बढ़िया चश्मा पहन ले तो हीरो बन जाते हैं। भगवान कहते हैं फिर तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा, और जब पूरी दांत टूट जाए फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके फिर 32 दांत लगा देते हैं। फिर कहते थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए। भगवान कहते हैं बैठ जाओ। भगवान कहते हैं फिर चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या चौथा वार्निंग दोगे? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगा, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, कमर तोड़ दूंगा। ये कहते एक एक वार्निंग ठाकुर जी हम देते हैं, लेकिन उसको वार्निंग को हम सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं, उसको वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। भगवान कहते भैया फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं, फिर राम नाम सत्य है। इसलिए हम सभी के सभी मातृगर्भ में यही कसम खा करके आए थे, प्रभु तेरा भजन करेंगे, तेरे नाम जप करेंगे, संसार से पार हो जाएंगे। लेकिन अभी किसको बोलो, थोड़ा मल्ला कर बोलो, समय कहाँ है? टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करने के लिए समय, पेपर पढ़ने के लिए समय, सिनेमा जाने के लिए समय। लेकिन जब बोलो प्रभु का भजन कर, बोले समय कहाँ है? समय कहाँ है? टाइम ही कहाँ है भजन करने का? फिर हम आगे सुनेंगे क्या होता है, भगवान माँ को ये सब ज्ञान बताएंगे, कल सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान वार्निंग देते हैं। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभु मेरे को माया पकड़ लेगा, मैं जाना नहीं चाहता। बोले कौन आकर के बोले? बोले मायापति कृष्ण अगर बोले माया को हटा दे आ सकता हूँ। कृष्ण आए माया को हटाए और श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म ग्रहण लेते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। अभी जब संन्यास लेकर के जा रहे थे पिता पीछे पीछे बोल रहा था हा पुत्र हा पुत्र, प्रतिध्वनि आ रहा था कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, झूठा संसार ये माया की संसार है। बोले मेरे गुरु जी सर्वत्र विद्यमान है, जब सर्वत्र विद्यमान मेरे गुरु जी मेरे हृदय में प्रकट हो जाए
और इनकी आंसर दे सकता हूँ। उनने पहला प्रश्न का आंसर चाहिए। आप बताओ तो अभी पहला प्रश्न किया था, कौन बोलेगा? जोर से बोलो। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने एक श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। हो सकता है अभी एक श्लोक याद कर लेना, बहुत अच्छा श्लोक है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोत्सजे आहाय तुकी अप्रतिहता जय आत्मा सम प्रसिद्धति। बोले हे सोनका ऋषियों, कहते हम संसार में फिर दुख क्यों भोग कर रहे? बोले दुख भोगने का एक ही कारण है कि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सबके सब भगवान के औलाद है, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं ना, तुमैव माता च, उसके बाद में बोला तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा, तुमैव तुमैव विद्या द्रविण, तुमैव तुमैव सर्वम। हम सब भगवान के औलाद, ठाकुर के बच्चे हैं। लेकिन ठाकुर को भूलने का वजह से ये माया संसार में आए और ये कितने दुख कष्ट उठा रहे हैं। अगर एक बार जैसे पिताजी की अथा संपत्ति पिताजी की, पिताजी अगर थोड़ी शासन कर लिया, अगर बच्चा अगर घुसा कर घर से चला जाएगा, फिर क्या होगा? बच्चा दुख कष्ट भोग करता रहेगा। अगर बच्चा अगर अपना गलती को मान ले, एक्सक्यूज भी अगर इतना बोल देना, पिता क्या करेगा? बच्चे को फिर गोद में भर लेगा। बोले बेटा तू तो मेरा ही लाला, मैं तो यही चाह रहा था, तू आ ये सारे संपत्ति को तुम ही भोग करो। इसलिए हम सब के सब भगवान की ही नित्य संतान है, उनकी ही औलाद है। उनकी भूलने का वजह से ये माया की संसार में आए, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 होता है। अगर केवल ठाकुर की शरण में चले जाए, केवल भगवान की शरण में जाकर के केवल माफी मांग ले, बस ठाकुर जी हमें पुनः गोद में ठाकुर जी हम भर ले, फिर सारे संपत्ति का मालिक बन जाएंगे। इसलिए केवल प्रभु को भूलने का वजह से ही ये दुख है। जब प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो, जैसे हनुमान जी देखो, ध्रुव प्रह्लाद का तुम जीवन देखो, आनंद आनंदमय है। इसलिए केवल ठाकुर के शरण में हमें जाने का इतना ही देर है। लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले निष्काम होकर के करो। भगवान से मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर को सब कुछ पता है। आप अगर निष्काम होकर भक्ति करोगे ना, ठाकुर को मांगने का कोई जरूरत नहीं। जैसे नरसी भगत, नाम सुने होंगे, ये तीन रात प्रभु का भजन करता था। लेकिन घर में अभी एक बेटी है, वो बेटी शादी के लायक हो गई, अभी बेटी का शादी कौन करवाएगा? पिता तो दिन भर भजन में लगे हुए। भगवान कृष्ण स्वयं साबरिया सेठ बन करके जाते हैं और इतने धूमधाम से उसकी बेटी को शादी कराते हैं, करोड़पति भी ऐसे शादी नहीं करा सकते। इसलिए कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अब भगवान का तरफ में एक कदम बढ़ाओ, ठाकुर जी हमारा तरफ में दस कदम बढ़ाएंगे। इसलिए कहते अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, प्रभु जी की शरण में चले जाओ, ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, जीवन में आनंद मिल जाएगा तुम्हें। और जो दूसरा जो प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया? इसलिए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् योगिनां नृपनिर्णित हरे नामानुकीर्तन। बोले कलयुग में प्रभु प्राप्ति से ही जीव को शांति मिलेगी। इसलिए ध्यान देकर सुनो, बोले कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रहेगा। जानते हैं ठाकुर जी, कलयुग का जीव इतना कठोर साधन नहीं कर सकता है। सत्य युग में था ध्यान, कलयुग में ध्यान नहीं, सत्य युग में ध्यान है। अब ध्यान के लिए बैठो, एक मिनट भी मन ध्यान में नहीं लगेगा। आंख बंद करते सारा दुनिया याद होने लग जाएगी। और ध्यान करने के लिए एक जगह में बैठने का भी जरूरत है, एक जगह पर बैठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, आप लोग बैठे हो, मैं देख रहा हूँ, कोई ठीक से नीचे बैठ नहीं पा रहे।
हजार बार ऐसे 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 हजार बार होगा। इतने कलिजुग का जीव इतने असमर्थ है, इसलिए ठाकुर जी को पता मन चंचल है, एक जगह में बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए कलिजुग में ध्यान नहीं रखा उन्होंने। त्रेता युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, जो गुटखा खाता नहीं होगा, बीड़ी नहीं फूंकता होगा, शराब नहीं पीता होगा, जिसका मुंह शुद्ध होगा, पर संस्कृत पढ़ना चाहिए, हर्षो दीर्घ प्लुतो तीन स्वर से मंत्र उच्चारण, अगर थोड़ी सी इधर उधर मंत्र हो गया उल्टा फल हो जाता है। फिर एक यज्ञ करने के लिए घी सामग्री हजार रुपया खर्चा, कहाँ से इतना पैसा लगे। इसलिए बोले भैया कलयुग में यज्ञ की जरूरत नहीं, द्वापर युग में अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए पहले पंचामृत लाओ, दूध दही शहद है शक्कर ये सब लाओ पंचामृत, फिर धूप दीप नैवेद्य कितना चीज चाहिए, माला कितना चीज चाहिए। बोले भैया कलयुग कहाँ जीव कहाँ से इतना लाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत सोच सोच करके बोले कलयुग में इतना करने का जरूरत नहीं, कलयुग में क्या करनी चाहिए। बोले कलयुग के बलना दूसरे युग में साधन और कलयुग का साधन का क्या महत्व है। एक जगह में जब बैठ करके ध्यान लगाओगे ना मन चंचल भटकेगा, फिर एक जगह में बैठ नहीं सकते कष्ट है। लेकिन जब यज्ञ करोगे वहां पर धुएं फिर आग की लपेट निकलेगा, बैठना भी कठिन है। जब अर्चन करोगे अभिषेक करो अर्चन करो पूजा करो उसमें भी कठिन, लेकिन देखो कलयुग में और उसमें तीनों में पैसा लगता है, लेकिन भगवान के नाम लेने में अभी कीर्तन कर रहे थे कोई पैसा की जरूरत तो पड़ी बताओ। अभी जैसे प्रभु का नाम ले रहे थे कोई कीर्तन कोई पैसा जरूरत तो पड़ा नहीं, कोई कष्ट लगा बोले नहीं, बल्कि प्रभु का कीर्तन में आनंद है। जैसे आप लोग रोज कीर्तन करते हो नाचते हो उसमें आनंद है, लेकिन दूसरे दूसरे साधन में कष्ट था, लेकिन कलयुग का साधन में कष्ट नहीं, कलयुग का साधन में आनंद है। और बिना पैसा बिना परिश्रम में ये कलयुग में साधन हो जाता है। और दूसरे दूसरे युग में जो फल है कलयुग का साधन से उससे ज्यादा फल है, भगवान की धाम की प्राप्ति है इसमें ज्यादा फल है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। भगवान कहते भगवान की नाम अनंत है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने ठाकुर जी का नाम है। फिर कलयुग में भगवान अपना जितने सारे शक्ति नाम में दे दिया। इसलिए मीरा की एक भजन है बोले हरी से बड़ा
हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जो भगवान के नाम पुकारे, भगवान कहा द्वारका में, और उनका वस्त्र हरण हो रहे थे हस्तिनापुर में, कहा द्वारका कहा हस्तिनापुर, भगवान को पुकारा तो भगवान स्वयं साड़ी पहनकर के आ गए। बोले भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, सेतु की जरूरत पड़ी, हनुमान को जय श्री राम बोले और समुद्र को पार हो। इसलिए भगवान ने कलयुग में सारे शक्ति मैंने अपना नाम में दे दिया। फिर नामों में बोले नियमित स्मरण नकाल। भगवान कहते हैं मैंने भैया ये नहीं बताया, जब केवल पवित्र अवस्था में होना तब मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, उन्होंने ये भी नहीं बताया। किसी अवस्था में भी पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भी ठाकुर का नाम ले सकते हो। देखो एक समय को ये तेली था, वो दिन भर केवल पैसा 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 केवल पैसा कमाने में लगा था। एक दिन नारद जी मिले, बोले क्यों तेली जी जीवन में केवल पैसा पैसा नरानवी चक्कर में तो पड़े हुए हो, हैं? अरे थोड़ी सी भगवान का नाम तो लो, क्योंकि भले ही तू जितने पैसा कमा लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो लोग तो यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा, सारे पैसा दे रही जाएगी। आप पैसा कमानी चाहिए लेकिन ऐसे नहीं प्रभु का भजन सब छोड़ छाड़ करके पैसा पैसा चक्कर में लगेगा, इसलिए बेटा थोड़ा समय निकालो भगवान का नाम तो जप करो। बोले मेरे पास में समय कहाँ, बोले दिन भर समय नहीं, बोले समय तो कभी थोड़ा मिलता होगा, बोले हाँ मिलता है, जब मैं शौच क्रिया में बैठता हूँ ना, पैखाना करने बैठता हूँ, मैं उसी समय मतलब फ्री रहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तभी प्रभु का नाम जप कर लिया। बोले अपवित्र अवस्था में बोले भगवान थोड़ी मना किया है, बोले ठीक है। अभी जब उसने शौच क्रिया में गया बैठने के लिए, बस रघुपति राघव राजा राम पति पावन, अभी जहाँ पर राम का नाम होना वहाँ सबसे पहले से हनुमान जी पहुँचे, सबसे पहले हनुमान पहुँचेंगे। हनुमान जी ने सोचा भैया मेरे कोई गुरु भाई बुला, ठाकुर का नाम ले रहे, हनुमान जी प्रकट हो गए, देखा गुरु भाई ने ये तेली बदमाश दिन भर पैसा पैसा के चक्कर में पड़ा हुआ और ये अपवित्र अवस्था में बैठ करके शौच क्रिया में बोला रघुपति राघव, बड़ा क्रोध आया हनुमान की, मारा एक लात, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे होकर फिर चुपचाप बैठ गया। हनुमान तो समझा कि कुछ भी नहीं हुआ, क्या बात है। अभी शाम का समय में जब प्रभु राम विश्राम करते हैं, हनुमान जी चरण सेवा के लिए पहुंचे, देखा भगवान राम बिस्तरा में छटपट छटपट कर रहे थे, कर रहे थे। बोले प्रभु लगता है शरीर में बड़ा दर्द है। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने लात मार दी। बोले प्रभु कौन ये बंदर है, उसका नाम बताओ, पृथ्वी को मैं बंदर शून्य कर दूंगा, किसका इतना हिम्मत मेरे प्रभु को लात मारे, बताओ उसका नाम क्या। बोले उसका नाम नहीं बोला जाएगा। बोले प्रभु बोलो ना। बोले उसका नाम वीर हनुमान। बोले प्रभु
मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। बोले हनुमान जी, जब तुमने वो तेली को तुमने लात मारी कुछ हुआ था, तेरे एक मुक्के को रावण जैसे व्यक्ति सह नहीं सका, लेकिन वो तेली को तुमने लात मारी कुछ हुई थी? बोले क्यों नहीं हुई? बोले देखो, हरि से बड़ा हरि का नाम, जब मेरा नाम जप कर रहा था, मैं नाम रूप में वहीं पर था, वहीं पर था, तुमने जो लात मारी ना, मैं पीठ को ऊपर लगा ला। हनुमान जी तो कान पकड़ लिए, बोले प्रभु कभी भविष्य में मेरे ऐसे कभी गलती नहीं होगी, कभी मैंने गलती नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नियमित स्मरण न काल, भगवान ये नियम नहीं रखा केवल पवित्र अवस्था कर सकते अपवित्र अवस्था में। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, भगवान कहते हैं मैंने कलयुग में इतना सरल उपाय रख दिया, तब भी ये कलयुग का जीव नहीं करना है। अगर ये युग में प्रभु का नाम जप नहीं किया ना, फिर तो इंसान का जीवन नहीं, फिर तो 84 लाख जन्म में जाओगे, कभी तुम्हारी उद्धार होने वाली नहीं, क्योंकि दूसरे दूसरे युग में कठोर तपस्या है, कलयुग में सबसे सरल उपाय है हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की बोलो नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस इतने सरल उपाय रख दिया, इससे और सरल क्या हो सकता है प्रभु के नाम जप करने के लिए। हाँ देखो, अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? हाथ उठाओ, चैतन्य महाप्रभु का नाम कौन सुने हो? आप लोग सुने हो? देखो अच्छे तरह सुनो, एक दिन जब महाप्रभु को उनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु बोले देखो, मैं सबके घर में खाना नहीं खाता। बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। और उसी समय लखपति मतलब होता है जिसको पास में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, 1 लाख स्वर्ण मोहर। आज से 5.5 साल पहले 1 रुपया 1 सोने की मोहर होता था। बोले जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर उसको घर में भोजन करूंगा। भक्तों लोग बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते हैं, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे? भगवान बोले, सबको बुलाया भगवान और उनको बैठा करके समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं, कि भगवान खुद कहते हैं जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए बिरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो कांधा हुए। इसलिए असली लखपति कौन? जो 1 लाख ठाकुर के नाम जप करते हैं। आप मेरे तरफ में देखो, आप लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो? अमिताभ बच्चन का नाम सुने कि नहीं? और टीवी में आता था करोड़पति कौन बनेगा, बोलता ना कौन करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति बोलता था ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कौन बनेगा लखपति। आप देखो मेरे तरफ में देखो, आप कैसे लखपति बनोगे? ये स्वयं भगवान शिक्षा देते हैं। देखो ये माला है, ये माला में 108 मोती है। जब ये माला हम जप करते हैं, ये अंगुल को बाहर निकालते हैं, क्यों? ये गंदा अंगुल, हम कहते हैं ना हम तुमको देख लेंगे, ये सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल करके इसी अंगुल को ऊपर में माला रखते हैं, रखकर जैसे हरे कृष्ण, अब सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके 1 मोती सरकाते हैं, पर 2 बाल बोल करके 2 मोती सरकाते हैं। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 बार नाम हो गया, एक बार नाम से 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, ये अंगुल को हम पार नहीं कराते हैं, फिर ऐसे घुमा करके दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे 16 माला किसने जप कर लिया ना, वो 25,000 हो गया। अगर कोई 64 माला किया तो 1 लाख। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1 लाख माला नहीं जप की,
आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होंगे। भगवान स्वयं कहते हैं। एक इसलिए मीरा कहती है, जिन जिनने ये मोती लूटो सो माला माल हुए। बोले कौन कौन हुए? बोले तुलसी, मीरा और नरसिंह। देखो तुलसी का नाम, हनुमान जी का नाम देखो, गणेश जी का नाम देखो, शंकर जी का नाम देखो। बोले क्यों जगत में हो रही है? कारण है, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? बोले सुमेरी पवन सोत पावन नामो आपन सकले राखिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, इसलिए भगवान को उन्होंने वशीभूत कर दिया। मेरे महाप्रभु का जितने भक्त लोग थे ना, प्रतिज्ञा की हम सब के सब आज से ठाकुर का नाम जप करेंगे। इसलिए आप देखना हमारी संप्रदाय में जो संत लोग, जो भक्त लोग होते हैं ना, कभी ये माला नहीं छोड़ते, हर समय ये माला को पास में रखते हैं। क्यों? जो एक एक श्वास निकल रहा है, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये श्वास का तभी सार्थकता जब हमारी श्वास श्वास में ठाकुर जी की नाम लिखे। इसलिए हमारी संप्रदाय में कोई माला नहीं छोड़ते, हर समय माला को अपना पास में रखते हैं। क्यों? समय बीतते हुए जा रहा है। जैसे अंबानी अगर बोल दे डॉक्टर ने तुम्हारी अंतिम श्वास है, अगर अंबानी की परिवार बोले तुमको चार कोई नहीं भेजा देते हैं और चार श्वास इसका वापस ले आओ, ला सकते हैं? चार कोई नहीं भेजे, एक श्वास को भी वापस नहीं ला सकते। मतलब हमारी एक की जो श्वास है ना, इतने कीमती है ये श्वास का तभी सार्थकता जब ठाकुर के नाम लिखे। ठीक है ना? देखो आप लोग हमें आज 5 मिनट देना, क्योंकि हम भी आज बैठ करके सबके सब एक माला जप करेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पर हम कितने भक्त हैं, समझो आप 50-60 भक्त हैं। और देखो अगर एक माला जप करेंगे ना, आपको कितने माला जप करने का फल मिलेगा जानते हो? 60 माला। अगर 64 लोग होंगे, अगर 64 माला जप करोगे ना, 64 माला जप करोगे, अगर 64 भक्त होंगे, 64 माला जप करने का फल मिलेगा। क्यों? सबके सब ठाकुर का नाम जप करेंगे, सभी का नाम सभी का कानों में जाएगा, सभी का नाम सभी की कानों में जाएगी। मानो आज आपका नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया आपकी आज फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। कितना रुपया डिपॉजिट हो जाएगी? 1,00,000 रुपया डिपॉजिट हो जाएगी। तो भैया इसका ब्याज कितना मिलेगा? आज अगर 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, तुम्हें ब्याज कितने मिलेगी? मीरा क्या कहती है? बोले तीन दिन बढ़त सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल आपको 1,25,00,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000। मतलब ये धन की इतनी महिमा ये नाम की। इसलिए बैठ करके हम सबके सब एक माला जप करेंगे, ऊपर से माला रह रहे। हाँ देखो एक अनाउंसमेंट, ध्यान देकर सुनो। हम चाहते हैं आप लोग तो सब बड़े बूढ़े आदमी, आप लोगों को अंदर में भक्ति की भावना, क्योंकि संस्कार पड़ी है, लेकिन अभी अभी जो यंग स्टार बच्चे हैं वो धीरे धीरे भक्ति से च्युत होते जा रहे हैं। जितने लिखा पढ़ा सीख रहे हैं उतना उद्दंड, उतने पिता माता की बात नहीं सुनना, और उतना भक्ति से विच्युत होते जा रहे हैं, उतना भगवान के ऊपर विश्वास घटते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ये यंग बच्चों के लिए हम कुछ क्लास करने के लिए, जैसे सवेरे हम इनके घर में सोच रहे हैं 9 से लेकर के 10 बजे तक यंग बच्चों के लिए कुछ क्लास देने के लिए। वो जो क्लास है, ध्यान देकर सुनो, पहला जो क्लास है उसका नाम सर्च फॉर हैप्पीनेस। ये क्लास का नाम ही सर्च फॉर हैप्पीनेस, मतलब जीवन में सुख का खोज केवल इसी विषय पर। जो दूसरी क्लास है डज गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे भगवान को मानना अस्वीकार करते हैं। बोले भगवान भगवान की अपनी आप दुनिया हो गया, अपनी आप दुनिया हो गया है, इसलिए लोग अभी धीरे धीरे भगवान को मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो क्लास का नाम डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है क्या नहीं। जो तीसरा जो क्लास है हु आम आई, हु आम इसका क्लास का नाम, हु आम मतलब हम कहते हैं शरीर आत्मा भात्मा तुमने देखे रहो, जो चीज देखा नहीं हम माने कैसे। इसलिए उसमें साइंटिफिक उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्लास है। इसलिए हु आर माई, हम शरीर नहीं
लेकिन हम आत्मा हैं, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे हम आत्मा हैं? इसलिए ऐसे ही और एक उसमें क्लास है बैड थिंग हैपनिंग गुड पीपल। कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर कोई दुख आ जाए ना हम बिलबिला जाते हैं, हम भजन किया भक्ति किया क्यों जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसी विषय पर हम सोचते हैं। आप लोग कोई आ सकते हो, नहीं तो अपना बच्चों को भेज सकते हो कोई कोई। हम सोचते हैं सवेरे 9 से लेकर के नहीं तो 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक एक घंटा ये क्लास को देने के लिए इनके घर में सोच रहे हैं। आप लोग कोई आ सकते हो, नहीं तो बच्चों को भेज सकते हो आप लोग कोई? अगर भेज सकते हो भेज देना, क्योंकि बच्चा अगर भजन करेगा संस्कारी बनेगी, हाँ संस्कारी बनेगा। ये सबको एक एक माला दे दो। देखो ये जो माला है ना आपको लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ, जब करके मेरे को वापस दे देना, सबके हाथ में एक एक बांट दो, जब करके मेरे को वापस दे जाना। जब तक कथा होगी तब तक हम एक एक माला जप करेंगे। सुबह सुबह महाराज बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे बच्चे। हरे कृष्णा। हम लोगों को बच्चे को बच्चों स्कूल जाते हैं ना सवेरे सवेरे, जो क्लास थोड़ी क्लास 10 के ऊपर में हो बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि ये चीज को समझ सकते हैं वही लोग। एकदम छोटे बच्चे समझना बड़ा कठिन है, हाँ ये छोटी सी क्लास 10 से जो ऊपर बैठेंगे वो बच्चे इसी चीज को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो जैसे ये कथा को बाद में अगर आप बच्चे को अगर भेज सकते हो तो उसको बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन कल हम सोच रहे हैं इनके घर में इनके परिवार के लोगों को लेकर अपना परिवार को बोल देना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक घंटा समय देंगे, आप लोगों के लिए एक घंटा समय देंगे, और जो शाम को आना चाहते हैं फिर शाम को बच्चों के लिए भी हम क्लास दे देंगे, ठीक है। हाँ देखो हरे कृष्ण। आप लोग सबके सब आग बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में हम ठाकुर के चरण में बैठे बैठ करके। देखो हरे कृष्ण का मतलब होता है, ध्यान देकर सुनो, ये नाम करने से 3 फल मिलेगा। हरे मतलब जो दुख कष्ट को हरण कर लो, कृष्ण मतलब मन हमारा चंचल है इधर उधर भटकता है, क्री बोलने से ये जो चंचल मन ये भटकेगा नहीं, इसलिए उसका क्री। देखना क्री को नीचे एक री होता है, वो री मतलब क्या, ये चंचल मन को जो पकड़ करके जैसे मछली को पकड़ते हैं ना और ले आते हैं, क्री बोलने पर ये चंचल मन को जो शांत करते, स्ना मतलब जो आनंद दे, और राम मतलब है सभी के हृदय में जो रमण करे और जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। ये नाम लेने से 3 फल आपको मिलेगा, ये नाम लेने से ये 3 फल मिलेगा। देखो ध्यान देकर सुनो, एक समय साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, बोले क्या रिसर्च किया, बोले भैया क्यों कहते हैं ठाकुर जी का नाम करने पर शांति मिलता है। देखो क्या रिसर्च किया उन्होंने, 3 ट्रे लिया, 3 ट्रे में जो साबुत मूंग दाल दे दिया, थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, एक ट्रे को तो एक जगह पर रख दिए, दूसरे ट्रे को पास में एक जो हरे कृष्ण महामंत्र जो चलता है क्यासिनी में वहां पर रख दिया, और एक ट्रे को जो रक म्यूजिक को पास में रख दिया अलग अलग। बोले देखते हैं 3 दिन बाद में क्या होता है। 3 दिन बाद में देखा जहां पर साधारण जगह पर जहां मुंह डाल था वो थोड़ी थोड़ी अंकुर आया, और जहां पर ठाकुर का नाम कीर्तन हो रहा था वहां पर 2-3 गुना अच्छा अंकुर आया, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था उसमें एक भी अंकुर नहीं आया। भैया समझ गए, भैया सचमुच से ठाकुर जी, सचमुच से ठाकुर जी के नाम में बड़ा आनंद है, ठाकुर जी का नाम में बड़ा आनंद है। देखो कैसे इस चीज को समझो, आपका नाम क्या है? सुमिता। जैसे अच्छे तरह समझो, जैसे मैंने बताया, देखो माता सुमिता बहुत अच्छी स्वभाव, बड़ी शांत स्वभाव की, सबकी सेवा करती है, सबको आदर देती है, बड़ी मीठी बोलने वाली। देखो इतनी अगर शब्द बोले खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएगा ना। अगर थोड़ी सी कड़ू शब्द बोल दे तो क्या होगा, क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि नहीं। लेकिन थोड़ी मीठी शब्द बोलो खुश हो जाते हैं, लेकिन कड़ू शब्द से क्रोध आ जाती है। जब ये साधारण शब्द में इतनी शक्ति है, भैया मोदी को इतना जगत में इतना जय जयकार क्यों हो रहे हैं, अच्छा लेक्चर देता है, बढ़िया बोलता है। इसलिए जो भगवान दुनिया शब्द से चलता है, अगर ठाकुर का नाम अगर लोगे तो
फिर उसमें कितने शक्ति नहीं होगी। अगर साधारण शब्द में ये शक्ति, फिर प्रभु नाम हमें क्या नहीं दे सकती है। इसलिए सब कुछ दे सकते हैं ठाकुर जी की नाम ने, ठीक है ना। आप देखोगे अभी 5-7 मिनट एक माला में लगेगा, आपको कितने शांति मिलेगी आप स्वयं देखो, कितने जीवन में आनंद आपको मिलेगी। इसलिए आप सब मेरे साथ में बैठ करके नाम जप करो, ठीक है ना। आ, बोलो बोले मेरे एक साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण, सब जोर से बोलना, क्योंकि जो हरि नाम करेगा उसको पाप उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं। इसलिए सबके सब मेरे साथ में प्रभु का नाम जप करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें एक मोती सर्किल, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई ना पूरी हुई कि नहीं माला से और दो चार बाकी है कर लो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 माला पूरी हो गई माला सब के सब वापस ले आओ कोई लेना नहीं मैं लास्ट में दूंगा कोई लेना नहीं पाप लग गया सब के सब माला मेरे को वापस दे रोज रोज बैठ करके माला करेंगे लास्ट में आपको जो लेना चाहते लास्ट में दूंगा सबसे ले आओ और सब के सब खड़े हो जाओ अभी प्रभु जी ने एक बड़ी सुंदर भजन गाएंगे भजन में सबका नाचना